ओके, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। राम राम भाई सभी को। क्या हाल चाल सभी के? आज एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने। कुछ नाम मैं पढ़ देता हूँ। राकेश कुमार, अच्छा अभी हट गया सामने से नाम, सर्वेश जी जी, शशि रंजन, आशीष कुमार। आ जाओ सर, आ गया भाई। 1:01 हुआ है तो भारत में इतना तो चलता है एक आध मिनट का। तो अजित कुमार सरोज, पोमली गुप्ता, गुड आफ्टरनून। देखो आज जो बच्चे मैं आपको चैप्टर पढ़ाऊंगा, कल यूट्यूब पे इसके बारे में डिस्कशन भी हुआ था, आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे, इसका नाम है लीवर। इसे हम बोलते हैं हिंदी में उत्तोलक। लीवर उत्तोलक, तो आज हम लीवर पढ़ने वाले हैं क्लास के अंदर। अच्छा, ये जो चैप्टर बच्चे मैं आपको बता रहा हूँ, इसे बड़े ध्यान समझना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे पहली बार इसे पढ़ेंगे तो वो धीरे धीरे आराम से पढ़ेंगे, और इसमें केवल हम काम की बातें पढ़ेंगे, बिल्कुल भी ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करना इस चैप्टर में। ऐसे बहुत सारे चैप्टर ऐसे होते हैं जिनमें हम काम के साथ साथ ज्ञान की बातें भी करते हैं, जैसे हीट हो गया, लाइट हो गया, साउंड है, आपका मोशन चैप्टर है, ग्रेविटी है, तो उनमें आप ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन कुछ चैप्टर हो गए जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे लीवर, ये चैप्टर ऐसे हैं कि हमें कॉमर्स और आर्ट साइड वाले बच्चों को भी साथ में लेकर चलना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए इस वाले चैप्टर के अंदर हम बहुत ही ध्यान से काम काम की बातें पढ़ेंगे, और ये चैप्टर जो इम्पोर्टेंट है वो है बच्चे तो रेलवे के लिए मेनली, तो इसमें क्वेश्चन रेलवे में आते हैं, तो अगर कोई बच्चा रेलवे की तैयारी कर रहा है तो इसे देखे। अदरवाइज अगर आपने SSC वगैरह में, ये बहुत ही रेयर केस में इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो नॉर्मली SSC वगैरह में इससे क्वेश्चन नहीं आते, लेकिन ये चैप्टर हमें करना है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो सब तरह के एग्ज़ाम देते हैं, तो वो सोचते हैं कि सर 1-1.5 घंटे का टॉपिक है, मान लो कभी गलती से आ ही गया CDS में, PCS में आ गया मान लो, या CGL में आ गया, तो फिर क्या करेंगे। तो इसलिए इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चुन्ना गोयल कह रहे गुड आफ्टरनून सर, आई मिस यू। भाई हम भी सही बच्चों को मिस करते हैं जो पुराने अपने, रोशन राज, राम बाबू, ठीक है। तो मैं चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूँ, अभी 1-2 मिनट हम और ले लेते हैं ताकि जो भी बच्चे थोड़ा लेट ऐप खोलते हैं वो भी लाइव आ जाए। तो इस लीवर की बात आज हम करने वाले हैं क्लास में, और इसका नाम है उत्तोलक। तो आप एक काम करेंगे, एक पेन ले लेंगे और एक रफ कॉपी ले लेंगे, और साथ में थोड़ा थोड़ा कुछ लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलो तो अब आज की क्लास स्टार्ट की जाए। सृष्टि कुमारी, सिंटू कुमार, रोशन राज, चरण स्पर्श गुरुजी, राम राम प्रतीक भाई, सौरभ पाल, नवनीत धनकर, ठीक है। चलिए, संजय कुमार वंशकर, ओके, ठीक है। चंदन कुमार, गुड मॉर्निंग। नीरज सर, आपको देखकर बहुत टाइम बाद अच्छा लगा। राम राम सर, गुड आफ्टरनून। कपिल पवार, गुड आफ्टरनून। ओम प्रकाश, मानस, मुशाहजिद राजा, संजय कुमार, वेदनाथ, पिंकी। चलो बाकी मैं नाम जब आगे कुछ पूछूंगा आपसे, बाकी हम नाम तब करेंगे बात। तो जिन बच्चों का नाम मैं नहीं ले पाया तो बुरा ना माने, ठीक है। देखो बच्चे, सबसे पहले आप समझो, अच्छा जब मैं टॉपिक पढ़ाना शुरू करूंगा ना, तो बीच में कोई बच्चा इससे रिलेटेड क्वेश्चन ना करे अभी, इसे पहले समझना। इस चैप्टर की जो फील है वो धीरे धीरे आएगी, जब आधा पौन घंटा हो जाएगा तब जाके आपको थोड़ा थोड़ा फील आने शुरू होगी कि पेपर में कैसा क्वेश्चन पूछेगा, हमें कैसा करना है, उस तरह की बातें, ठीक है। तो इसे थोड़ा सा आप पेशेंस रखेंगे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून जो लिख रहे हैं वो ठीक है, पर बीच में अभी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं करेंगे, जब मैं आपको टाइम दूंगा तब आप उससे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बच्चा लिख रहा है वीडियो क्वालिटी अमित कुमार, पहले आप वीडियो की स्पेलिंग सही लिखो, ठीक है। चलो ज्योति पटेल, गुड आफ्टरनून। राकेश कुमार, यहाँ देख लो, रोशन राज। बच्चे लीवर क्या है? लीवर होता है बच्चे एक टाइप की सिंपल मशीन। सिंपल मशीन समझ रहे हो कि जो बहुत ही देखने में सिंपल लगे, बहुत ही उसके अंदर हाथी घोड़े ना जुड़े हों, बहुत ही सिंपल चीज़ हो, और आपका जो जीवन है सर, आप रूड होते हो तो अच्छा लगते हो। अनिश कुमार पांडे भाई, ऐसे कमेंट करके ना तुम हंसा देते हो, और बीच में ना ये फ्लो भी ख़राब करते हो क्लास का, तो ऐसा अभी भाई रुक जाओ। पहली बार मुझे कोई व्यक्ति मिला, बच्चा मिला ऐसा जो कह रहा है कि रूड अगर कोई है तो भी बढ़िया लग रहा है। चलो कोई बात नहीं, अभी बीच में हंसाना मत ऐसा, ठीक है, कोई कमेंट मत करना। बच्चे देखो, लीवर क्या एक सिंपल मशीन है जो आपके काम को आसान कर दे, बहुत ही इजी कर दे आपके काम को, और बहुत ही सिंपल सी हो। जैसे आप एक चीज़ देखना, जैसे आपकी मम्मी को रोटी बनानी है, ठीक है, जैसे आपकी मम्मी रोटी बनाना चाह रही हैं, तो होगा क्या बच्चे कि अब वो रोटी जब फूल रही है गैस के ऊपर, तो आपकी मम्मी से बच्चे रोटी तो उठेगी नहीं, ऐसे हाथ जल जाएंगे। आपकी मम्मी क्या करेंगे, एक टोंग लेंगी, चिमटा लेंगी, रोटी पकड़ेगा फटाफट, ऐसे ऐसे फटाफट
उसके ऊपर तवे के ऊपर से पलट भी देंगी और बड़े आराम से बच्चों से हटा भी देंगी। तो चिमटे ने कितना काम आसान कर दिया। अदरवाइज अगर टोंग चिमटा ना हो आपकी मम्मी के पास, हर एक रोटी मम्मी को आपकी ऐसे इंगीठी से या गैस से हटानी पड़े, बार बार तवे के ऊपर पलटनी पड़े, तो उंगली जलने का खतरा रहेगा, काम भी थोड़ा स्लो हो जाएगा, थोड़ा संभल के करना पड़ेगा उन्हें। तो चिमटे ने काम को आसान बना दिया है। ऐसे ही जैसे मैं कहता हूँ बच्चों से कि भाई मान लो कि आपने क्या करना है, जैसे कि आपको ये मान लो कि कहीं से पत्थर हटाने हैं, तो आपने एक चीज़ देखी होगी बहुत जगह लोग क्या करते हैं, जैसे एक पत्थर लगा हुआ है उस पत्थर के नीचे एक लोहे की रोड लगाएंगे, ऐसे एक रोड लगाएंगे और यहाँ से झटका देंगे ऐसे, तो पत्थर बड़े आराम से उठ जाएगा। तो पत्थर को आपने वहाँ से बड़े आराम से हटा दिया। तो एक्चुअल में क्या होता है कि लीवर क्या एक सिंपल मशीन है जो आपके काम को आसान कर रही है। अब यहाँ पे इस चीज़ को थोड़ा सा हम आगे बढ़ाते हैं। अब देखो बच्चे, जो लीवर है ना, ये होती है एक टाइप की रोड, एक छड़। तो बहुत सारे बच्चे कहते हैं जी आप कैसी बातें कर रहे हो कि हमारे घर में जो सामान है, जैसे चाहे वो स्पून चम्मच हो गई, चाहे वो पाइलर्स हो गया, प्लास हो गया, चाहे मेरे घर के अंदर कैची है, सीजर है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सारी तो रोड तो है नहीं, जबकि इन सबको हम लीवर कहते हैं। लीवर होता है सिंपल मशीन, चाहे वो कैची हो बड़े आराम से कपड़े को काट रही है, चाहे वो हथौड़ा हो बड़े आराम से कील गाड़ रहा है उसके अंदर, चाहे वो बच्चे आपका पाइलर्स मैंने कहा कि कील को खींच के बाहर निकालना है, चाहे टोंग है चिमटा है काम को आसान कर रहा है, चाहे वो फिशिंग मशीन है, ये सब काम को आसान कर रहे हैं। तो आप कहोगे गुरु जी चाहे नट क्रैकर है, चाहे नींबू को निचोड़ने वाली मशीन है, क्या वो रोड है क्या? अब ध्यान सुनना बात को, लीवर क्या होता है एक टाइप की रोड है, एक तरह की छड़ है, पर इसके एक शर्त है कि जो रोड है ना, जो छड़ है ये किसी एक पॉइंट के अबाउट रोटेट करनी चाहिए, एक बिंदु के परी तक घूमना चाहिए। यानी लीवर क्या है, इट इज़ ए टाइप ऑफ रोड, इट इज़ ए टाइप ऑफ रोड विच कैन रोटेट अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट। अब मैं इसका डेफिनेशन लिखूंगा, थोड़ा समझाऊंगा तो बातें आपको क्लियर होंगी। पहले आप इसके डेफिनेशन लिखो, लीवर क्या है। लीवर में लिखेंगे इट इज़ ए, पहले इंग्लिश में लिख रहा हूँ हिंदी में बोल दूंगा, इट इज़ ए टाइप ऑफ रॉड विच कैन रोटेट अबाउट ए फिक्स्ड पॉइंट एंड दिस फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड फलक्रम। मैं हिंदी में लिख रहा हूँ, इसे समझाऊंगा अभी। मैंने कहा इस चैप्टर का फील आएगी आपको लगभग आधे पौन घंटे के बाद, तो अभी सुनते रहना। लिखेंगे उत्तोलक एक तरह की छड़ है, उत्तोलक एक तरह की छड़ है जो एक निश्चित बिंदु के परीत है, घूम सकती है और इस निश्चित बिंदु को आलंब कहते हैं। तो मैंने कहा कि लीवर क्या होगा, एक टाइप की रोड है जो किसी फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट घूम सके। जैसे आप एक एग्जांपल देखेंगे तो थोड़ा सा हल्का सा ये लाइन समझ में आएगी। आप बच्चे कभी गए होंगे पार्क के अंदर, आपने वहाँ पर एक झूला देखा होगा, आपने देखा ना झूले में क्या होता है कि एक बच्चा यहाँ बैठा है, एक यहाँ बैठा है, तो बच्चे ऐसे ऊपर नीचे करते रहते हैं, ऐसे बच्चे आपस में झूलते रहते हैं। अब मान लो कि बच्चे यहाँ पे आपने कोई लोड रख दिया, कोई भार रख दिया लोड, ठीक है, ये आपने कोई भार रखा यहाँ पे, लोड रखा। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे यहाँ पे कि ये लोड रखा हुआ है और आपको बच्चे मान लो कि इस लोड को ऊपर उठाना है, तो अब इस लोड को ऐसे पकड़ा आपने मान लो और ऐसे उठा के लेके जाओगे तो बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, आपको बहुत जोर लगेगा। ये काम आप आसान कर सकते हैं कैसे, आप यहाँ पे बैठ जाओ, यहाँ पे आप धक्का दो, यानी अगर आप नीचे की तरफ को एफर्ट लगाओ, नीचे की तरफ को फोर्स लगाओ, बल लगाओ, आपने नीचे की तरफ को एफर्ट लगाया, एफर्ट को बोल रहे हैं यहाँ पे हिंदी में आयास, वैसे प्रयास कहते हैं पर ये टेक्निकली आयास शब्द यूज़ करते हैं यहाँ पे हम, एफर्ट लगाया या आपने फोर्स लगाया, तो जैसे आप यहाँ पे फोर्स लगाओगे तो लोड ऊपर की तरफ को उठ जाएगा आपका। तो कितने आसानी से आपने इसे नीचे करके इस लोड को ऊपर तक उठा दिया है। ये बच्चे आपका फिक्स पॉइंट है, इस फिक्स पॉइंट के अबाउट ये ऐसे ऐसे आपका रोटेट कर रहा है, तो फिक्स पॉइंट क्या हो गया बच्चे आपका, फलक्रम हो गया। तो जो आपने देखा ये जो रोड है, ये जो छड़ है, एक फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट
एक निश्चित बिंदु के परेत ये ऊपर नीचे हिल रही है, ऊपर नीचे हो रही है, आप एक तरफ को लगाएंगे एफर्ट, ये लोड ऊपर की तरफ को उठ जाएगा। तो मैंने आपसे ये कहा कि जो लीवर है ये एक टाइप की छड़ है, एक टाइप की रोड है जो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट, एक निश्चित बिंदु के परेत है, घूम सकती है। तो ये फिक्स पॉइंट था, इसके अबाउट बच्चे आपकी रोड घूम रही है, आप इधर बैठ गए तो इधर वाला बच्चा ऊपर उठ जाएगा, फिर ताकत लगा के नीचे करेगा तो आप ऊपर उठ जाओगे, या आप यहाँ पर कोई वजन रख दो, आप यहाँ पर गेहूँ की बोरियाँ रख दो और आपको उन गेहूँ की बोरियों को उठाना है तो आप यहाँ से ताकत लगाओ तो उठ गई। तो इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट ही रोड घूम रही है, ऐसे ऐसे रोड घूम रही है आपकी, ठीक है। तो ये बच्चे इसलिए एक मैंने हल्का सा आपको एग्जांपल दिया कि जब देखते हैं झूला जो देखते हैं आप ये पार्क के अंदर जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में सीसा, ये बच्चे आपका लीवर का एक एग्जांपल हो गया। अब यहां तो मैंने आपको बताया समझाने के लिए, अब इसे मैं थोड़ा सा मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। हाँ बच्चे कह रहे मैंने भी किया है, बहुत बढ़िया, अभी सुनते रहना बहुत ध्यान से। तो अभी तक बच्चों देखो हमने क्या पढ़ा कि लीवर की डेफिनेशन क्या है, कि लीवर एक टाइप की रोड होती है जो एक फिक्स पॉइंट के अबाउट रोटेट कर सकती है, और उस फिक्स्ड पॉइंट को बच्चे हम क्या कहते हैं, फलक्रम। इसका मैंने एक एग्जाम्पल लिया जो पार्क में झूला होता है सीसा, कि यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होता है उसे हम बोल रहे हैं फलक्रम। यहाँ पे अगर आप वजन रखेंगे और यहाँ से अगर आप नीचे झटका देंगे तो लोड ऊपर की तरफ को उठ जाएगा। तो जो आपकी रोड है ना, ये रोड ऐसे रोटेट कर रही है, ऐसे घूम रही है, किस बिंदु के परीत है, इस बिंदु के परीत है, ठीक है। सर मैं रिकॉर्डेड क्लास देखता हूँ आपकी, कोई बात नहीं, आप लाइव क्लास देख रहे हैं बहुत बढ़िया बात है। अभी ऐप पे क्लास चल रही है तो बिल्कुल हम पढ़ेंगे, केवल पढ़ाई की बातें करेंगे। शायद ये यूट्यूब पे भी चल रही होगी, उस पर मैं अभी इतना ध्यान नहीं दे रहा हूँ क्योंकि यूट्यूब वाले बच्चों को पता चलना चाहिए कि ऐप पे हम क्लास लेते कैसे हैं। देखो अब बच्चे यहाँ पे ध्यान से देखना बात को, अब बच्चे यहाँ पे बहुत चीज़ों को समझना है। मैं अब देखो पेपर में जो आएगा मैं उसकी तरफ को मूव कर रहा हूँ, जो चीज़ पेपर में आएगी। तो बच्चे मान लो कि यहाँ पे ये आपका फलक्रम है, मैंने इसे लिख दिया यहाँ पे फलक्रम एफ। समझने के लिए काम करते हैं, इसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऊपर ताकि आपको समझ में आए। ये फलक्रम है आलम्ब जिसके अबाउट ये रोड ऐसे रोटेट करेगी, ठीक है। एक तरफ बच्चे आपका लोड है, इसे मैं लिख रहा हूँ एल से, ये लोड है आपका भार, और इधर बच्चे आपने लगाया एफर्ट प्रयास, ठीक। अब यहाँ आपको आपको जो मैं बताने वाला हूँ सुनते रहना, बिल्कुल एक भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए। बच्चे जो फलक्रम से ये लोड तक की जो दूरी दिख रही है ना आपको, ये दूरी इसे हम बोलते हैं लोड आर्म। ये शायद आपको दिखेगा नहीं, कलर चेंज कर लेते हैं इसे, इससे पहले कि आप चिल्लाना शुरू करो। ये बच्चे आपका बन गया लोड आर्म। देखो इसे इंग्लिश में समझना है, भार भुजा, क्योंकि भार भुजा में इतना मजा नहीं आएगा बोलने में। तो एल का मतलब क्या है, लोड, ए का मतलब है आर्म, लोड आर्म। अच्छा सारी जो हम डिस्टेंस नापेंगे फलक्रम से नापेंगे, और फलक्रम से बच्चे जो एफर्ट तक की दूरी है इसे बच्चे बोलते हैं एफर्ट आर्म, आयास भुजा, ठीक है। तो एल ए का मतलब क्या हो गया बच्चे हमारा, ये हो गया लोड आर्म, लोड आर्म। और ई ए का मतलब क्या हो गया बच्चे हमारा, हो गया ये एफर्ट आर्म, इसे मैं बोल रहा हूँ आयास भुजा, इसे हम बोल रहे हैं भार भुजा। अब मुझे यहाँ पर बहुत ध्यान से बात को समझना है कि जरूरी नहीं है कि आपका फलक्रम बीच में हो और ये लोड एक साइड में हो और एफर्ट दूसरी साइड में हो, ऐसे लीवर भी हो सकता है। उसके मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि जहाँ पे, जैसे भी मैंने इसका एग्जांपल आपको दिया अभी सीसा झूले वाला दिया, कि झूले में बीच में क्या बच्चे आपका फलक्रम है, एक तरफ लोड है एक तरफ एफर्ट है। अभी मैं आपको आगे एग्जांपल दूंगा जहाँ पे हो सकता है कि लोड बीच में हो या आपका एफर्ट बीच में हो। तो ये तो बच्चा आपको हो गया कि अगर फलक्रम बीच में है, पर ये जरूरी नहीं कि आपका फलक्रम हमेशा बीच में हो, ऐसे भी देखो बच्चे हो सकता है। मैं अगर सेकेंड एग्जाम्पल लूँ आगे चल के हम अभी पढ़ेंगे थोड़ी देर के अंदर, कि मान लो कि बच्चे आपका लोड तो बीच में है और आपका बच्चे फलक्रम एक साइड पे है, ठीक है, और आपका बच्चे एफर्ट एक साइड पे है। तो आपको पता है डिस्टेंस तो हम फलक्रम से ही नापेंगे, तो फलक्रम से लोड तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, लोड आर्म, ठीक है, और बच्चे एफर्ट तक की क्या कहलाएगी आपकी, ये कहलाएगी आपकी एफर्ट आर्म, ठीक है। चलो अब मैं यहाँ पे काम और करता हूँ। आपको कई बार ऐसा भी हो सकता है पेपर के अंदर, मतलब लीवर के अंदर आपका बच्चे बीच में हो एफर्ट, एक तरफ हो फलक्रम, एक तरफ हो एफर्ट, सॉरी लोड, ठीक। अब यहां पे देखना बात को, ये बच्चे जो आपके फलक्रम से एफर्ट तक की जो डिस्टेंस है एफर्ट आर्म हो गया, लोड तक की जो डिस्टेंस है आपका बच्चे लोड आर्म हो गया। अब देखो पेपर का पहला क्वेश्चन आपको मैं बता रहा हूं, पेपर में क्वेश्चन क्या आएगा, देखो तीन कंडीशन है, या तो फलक्रम बीच में हो,
या आपका बच्चे लोड बीच में हो या आपका बच्चे एफर्ट बीच में हो, अब इन भुजाओं को भूल जाओ, आप आर्म को भूल जाओ, तो अगर फलक्रम बीच में है तो इसे हम बोलते हैं फर्स्ट टाइप लीवर। तो फर्स्ट टाइप लीवर वो लीवर हैं जिनमें फलक्रम बीच में होगा, फर्स्ट टाइप लीवर। तो प्रथम प्रकार के उत्तोलक, प्रथम प्रकार के उत्तोलक वो होते हैं जिनमें आलंब बीच में हो। देखो पेपर में क्यों लिया जाएगा, सीधा ध्यान रखना, प्रथम प्रकार के उत्तोलकों में आलंब कहाँ पे होता है, बीच में, या बीच में क्या चीज़ होती है, आलंब। जो सेकंड टाइप के आपके उत्तोलक हैं, सेकंड टाइप के जो आपके लीवर हैं, तो सेकंड टाइप जो लीवर होंगे बच्चे उसके अंदर बीच में क्या होगा, आपका लोड होगा, भार होगा। जो थर्ड टाइप के होंगे बच्चे उसके अंदर क्या होगा, एफर्ट होगा, आयास होगा। तो थर्ड टाइप वाले में बीच में क्या होता है बच्चे, आपका आयास, एफर्ट होता है। अब इस बात को याद कैसे करेंगे, अभी तक समझो मैंने आपको एक लाइन पढ़ाई, बस आप एक काम करो, इधर साइड में सबसे पहला आप एक काम करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे साइड में FLE, फ्ली लिख लो, फ्ली, आपका काम हो गया। यानी अगर फलक्रम बीच में है तो कौन से टाइप का लीवर है, फर्स्ट टाइप का लीवर। अगर लोड बीच में है तो कौन से टाइप का है बच्चे, वो सेकंड टाइप का। अगर एफर्ट बीच में तो कौन से टाइप का है, थर्ड टाइप का। और जब फलक्रम आलंब बीच में होगा तो फर्स्ट टाइप का लीवर है, इसके मैं आपको 5-7 एग्जाम्पल दूंगा जो पेपर में आते हैं। जब लोड बीच में होगा और फलक्रम और एफर्ट साइड में होंगे, ये जब आपका बच्चे बीच में भार होगा और ये आपका इधर फलक्रम आलंब और आयास आपके साइडों में होंगे, तो उसका एग्जांपल मैं आपको दूंगा। जब आयास बीच में होगा उसका एग्जांपल भी दूंगा, अभी केवल आपको एक लाइन लिखनी है, अपनी रफ कॉपी पर लिखेंगे फ्ली। तो फ्ली से आप क्या बता सकते हैं, अगर बीच में फलक्रम है तो फर्स्ट टाइप का लीवर है, अगर बीच में आपके बच्चे लोड है तो सेकंड टाइप का है, और बीच में अगर एफर्ट है तो थर्ड टाइप का है। तो मुझे पहले आप ये बताओ, जो बच्चे शुरू से लाइव हैं, जो बीच में नहीं आए हैं, कि ये बात आपको समझ में ही नहीं आई, अभी केवल एक लाइन, अभी हमने कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं किया, केवल एक लाइन सीखी है कि पेपर में फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप और थर्ड टाइप के लीवर में क्या डिफरेंस है जो पेपर के अंदर पूछता है, वो केवल एक ही लाइन है कि फर्स्ट टाइप के लीवर में बीच में क्या होगा, सेकंड टाइप के लीवर में बीच में क्या होगा, थर्ड टाइप में क्या होगा। प्रथम प्रकार के उत्तोलक, द्वितीय प्रकार के उत्तोलक, तृतीय प्रकार के उत्तोलक, बीच में आलंब, आपका बच्चे भार, और बीच में आपका आयास। यहां तक की बात समझ में आई कि नहीं आई है, हल्का हल्का से मुझे बताओ, फिर जब मैं इसका एग्जांपल बताऊंगा धीरे धीरे फीलिंग आपको तब आएगी, ठीक है। अब ये केवल फ्ली याद रखना, एक लाइन याद रखनी है, FLE, फ्ली। तो फ्लाई आपको याद है ना, फ्लाई उड़ना, तो फ्लाई से याद रख लो फ्ली। तो बस पेपर में रखेंगे दिमाग में FLE, फ्ली, यानी कि। और ये फ्ली का कैसे यूज करना है कि बीच में, यानी बीच में क्या होगा, अगर बीच में ये है तो फर्स्ट टाइप का लीवर, बीच में ये है तो सेकंड टाइप का लीवर, और बीच में तो थर्ड टाइप का लीवर, ठीक है। और मैंने आपको एक बार और बताई थी कि चैप्टर जो ना बहुत ही आराम आराम से धीरे धीरे हम पढ़ेंगे, क्योंकि इसकी वजह यह है, हाँ ALP में आता भाई से क्वेश्चन बिल्कुल, लोकोपलेट में तो बिल्कुल आता है, कि ये कॉमर्स और जो आर्ट साइड का बच्चा पहली बार पढ़ेगा। हालांकि मैंने इसमें कुछ स्पेशल ऐसा बताया नहीं है, लेकिन तब भी जो पहली बार हम कुछ चीज़ें सुनते हैं ना, तो वो हमें फिर भी एब्जॉर्ब करने में टाइम लगता है। तो मेरी कोशिश होगी इसमें बार बार चीज़ों को रिपीट करके मैं आपको आराम आराम से बताऊं। अब यहाँ पे आगे चलते हैं हम, वो देखो क्या, बहुत बढ़िया, सब बच्चे लिख रहे हैं जी, समझ में आ गया, आ गया, यस यस सर, यस सर, बहुत बढ़िया। आरिफ जमाल, एक नया सा नाम पढ़ा हमने, चंद्रहास कुमार, इनका नाम पढ़ देते हैं, धानेश्वर कुमार तो खैर रोज ही आते हैं, इनका तो मैं नाम ही याद हो गया है, ठीक है। चलो कुछ बच्चों को मुझे नाम भी याद हो जाते हैं, जैसे इस क्लास के बताऊं मैं आपको, फिजिक्स स्पेशल फर्स्ट वाले बच्चे भी हैं साथ में, दानेश्वर कुमार ये लड़का रोज आता है, एक इसमें आता है लड़का अमित सक्सेना, पोमली गुप्ता, इसके अंदर एक लड़का आता है राकेश, प्रतीक, कशोधन, तो कुछ बच्चों के नाम याद हो जाते हैं जो बच्चे डेली एक्टिव रहते हैं, टाइम से आते हैं, ठीक है। आर्यन कुमार सिंह, ठीक है भाई, ये सर की स्पेलिंग सही लिखो, SAR नहीं होता, सर की स्पेलिंग होता है SIR, ठीक है। अब बच्चे यहाँ पे एक चीज़ देखना बहुत ध्यान से, अब एक शब्द लिखेंगे हम यहाँ पे, हम मैकेनिकल एडवांटेज, मैकेनिकल एडवांटेज, इसे बोलते हैं यांत्रिक लाभ, यांत्रिक लाभ। तो मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला होता है EA/LA, तो आप समझ गए होंगे, इसे मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूं तो ऐसे लिख दूंगा, मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ आपका बराबर है एफर्ट आर्म अपॉन लोड आर्म, ठीक है। तो यहाँ पे इस बात को बड़े ध्यान से समझना आप, ठीक है। अब इस मैकेनिकल एडवांटेज से बात को समझेंगे, वो देखो कैसे। सबसे पहले बच्चे यहाँ पे एक चीज़ देखो आप, इस फर्स्ट टाइप के लीवर में ये भी हो सकता है कि फलक्रम बिल्कुल बीचों बीच हो, बिल्कुल बीच में हो, एग्जैक्ट बीच में। अगर आपका फलक्रम बिल्कुल बीच में है बच्चे, इफ़ एफ इज़ मिड पॉइंट, अगर ये एफ मिड पॉइंट है,
अगर आपका फल क्रम मध्य बिंदु है, बिल्कुल ठीक बीच में है, तो आपको पता है बच्चे कि एल ए और ई ए की वैल्यू बराबर हो जाएगी, दोनों बराबर हो जाएंगे ना ये, तो यानी कि आपका हो गया ई ए बराबर हो गया एल ए के, ई ए बराबर किसके हो गया बच्चे एल ए के। तो मुझे बताओ अगर ये एफर्ट आर्म और ये लोड आर्म आपके दोनों बराबर हो जाएं, बिल्कुल इक्वल हो जाएं, तो इसका मतलब है कि आपका ये दोनों कट जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपकी कितनी आ जाएगी, मैकेनिकल एडवांटेज यानी आपका यांत्रिक लाभ कितना आ जाएगा बच्चे, एक आ जाएगा। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टाइप के लीवर में ये फलक्रम बिल्कुल बीचों बीच हो, ये ऐसा भी हो सकता है बच्चे कि लोड के नज़दीक हो, और ऐसा भी हो सकता है कि एफर्ट के नज़दीक हो। तो अगर कभी ऐसा हो जाए कि इसी के अंदर, मैं भी इसका आपको एग्जांपल दे देता हूँ साइड में यहाँ पे, जैसे कि आप यहाँ पे एक चीज़ देखना, जैसे आप अपने घर में कैंची देखना, कैंची सीज़र, मैं ऐसे बना देता हूँ, समझ जाना कि कैंची है ये। तो मुझे एक चीज़ बताना बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखना, आपके घर में जो कैंची है यहाँ पे आपने कोई कपड़ा या कागज़ को रखा, ये जो कपड़ा और कागज़ रखोगे बच्चे आप, ये आपका लोड हो गया, लोड ये बच्चे आपको एक यहाँ पे ना कील गड़ी रहती है, आपने देखा होगा जब कैंची को आप ऐसे बंद खोलते हो ना, ये फिक्स पॉइंट हो गया, ये आपका हो गया फलक्रम। यहाँ से बच्चे आप क्या करोगे, आपकी मम्मी ऐसे कैंची को दबाएंगी, तो यहाँ से आप एफर्ट लगाते हो, यहाँ से आप लगा रहे एफर्ट, एफर्ट। तो मुझे एक चीज़ बताओ आप कि जो फलक्रम है इसमें कैंची में आपने देखना, ये वाला हिस्सा होता छोटा, ये वाला हिस्सा होता बच्चे बड़ा, तो यहाँ पे देखना फलक्रम से लोड तक की दूरी होगी एल ए, फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी बच्चे हमारी होगी ई ए, ई ए। तो मुझे एक चीज़ बताओ यहाँ पे कि हमने अभी मैकेनिकल एडवांटेज का, यांत्रिक लाभ का एक फॉर्मूला पढ़ा था ई ए अपॉन एल ए, तो आपको पता है कि सीजर के अंदर यहाँ पे एल ए की वैल्यू जो है बच्चे वो बड़ी है, एल ए की वैल्यू किससे बड़ी है, ई ए से। अगर बच्चे ये चीज़ बड़ी हो जाए, ये चीज़ छोटी हो जाए, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ क्या आएगा, एक से कम आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ही फलक्रम बीच में, यानी कि फर्स्ट टाइप का लीवर है, तो फर्स्ट टाइप के लीवर में आपने क्या देखा कि जब मैंने सीसा वाला एग्जांपल लिया, जब मैंने झूले वाला एग्जांपल लिया, यहाँ पे देखना बड़े ध्यान से, जब मैंने झूले वाला एग्जांपल लिया तो झूले वाले एग्जांपल में तो फलक्रम होता है बिल्कुल बीच में, तो फलक्रम बीच में है यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज वन आ गई। लेकिन अगर ये फलक्रम बच्चे आपका लोड के नज़दीक हो, यानी लोड इसके नज़दीक हो, एफर्ट आर्म के नज़दीक हो, तो आपने देखा अगर ये फलक्रम एफर्ट आर्म के नज़दीक होगा तो ये तो लाइन छोटी बनेगी, ये वाली वैल्यू बड़ी बन जाएगी। अगर ये वैल्यू बड़ी बन गई और ये छोटी हो गई तो मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम आ जाएगा। यानी अगर आपका ऐसा हो जाए, इसमें ये तो फर्स्ट केस हो गया, सेकंड केस मैंने आपको जो सीजर वाला एग्जांपल दिया, तो सीजर वाले एग्जांपल में हमने क्या देखा था बच्चे अभी कि जो आपका जो लोड आर्म है वो एफर्ट आर्म से बड़ी है, तो आपका मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो गया था, एक से कम हो गया था। लेकिन यहाँ पर अगर मैं एक चीज़ और देखूँ, अगर मैं बच्चे इसके मैं ले लूँ पाइलर का एग्जाम्पल, पाइलर का, पाइलर्स होते हैं ना प्लास जैसे, अब रुक जाओ थोड़ा सा टाइम लगेगा, सीधे समझ में आ जाएंगे, उस वो मेरी जिम्मेदारी है समझाना। यहाँ देखना, जैसे बच्चे आपका घर में ये प्लास है, ये ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे एक चीज़ देखना, यहाँ पे बच्चे आपको मान लो कि स्पाइलर से कोई कील खींच के बाहर निकालनी है, तो या कोई भी चीज़ आपको इसके अंदर दबानी है कुछ भी, तो लोड तो आपका यहाँ होगा, दोनों इनके बीच में दबा होगा, यहाँ पे एक आपको दिखता होगा पेच सा दिखता है ना, घूमता है वो, ये आपका फलक्रम हो गया, यहाँ से आप एफर्ट लगा रहे हैं, ये आपका हो गया एफर्ट। तो आप देखना बच्चे पाइलर्स के अंदर, अगर आप पाइलर्स में देखेंगे, फलक्रम से लोड तक की दूरी बनेगी एल ए, फलक्रम से एफर्ट तक की दूरी बनेगी बच्चे ई ए। तो यहाँ पे ये वाली चीज़ होती है छोटी पाइलर में, प्लास में ये वाली चीज़ होती है बड़ी। दिमाग में रखो प्लास, देखो अपने प्लास होता ना वो लंबी सी डंडी होती है उसकी, और आगे छोटा सा हिस्सा होता है ये वाला। तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि ई ए की वैल्यू एल ए से अधिक है, तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पता ही है, अगर ये चीज़ बड़ी हो जाए ये चीज़ छोटी हो जाए तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगी बच्चे आपकी, एक से ज़्यादा आएगी, एक से ज़्यादा आएगी। तो मैं अभी आपको जब बताऊंगा यहाँ पे भी इन इकट्ठा करके तो आपको ज़्यादा बढ़िया समझ में आएगा। अभी थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना, एक चीज़ देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई यहाँ पे कि अगर ई ए और एल ए ये दोनों के दोनों बराबर हो जाएं तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका एक आ गया। लेकिन आपको ऐसा भी हो सकता है कि लोड आर्म बड़ी हो जाए आपके, जैसे कि कैंची के अंदर इससे अगर ये लोड आर्म बड़ी हो गई तो आप फॉर्मूले से देखेंगे तो मैकेनिकल एडवांटेज आपकी एक से कम आएगी, मैकेनिकल एडवांटेज। दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर ई ए की वैल्यू एल ए से ज़्यादा हो जाए, ठीक है, यानी ये बड़ा हो ये छोटा सा पाइलर में, तो मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ आपका एक से ज़्यादा आएगा। अब देखो मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूँ, अब यहाँ से दोबारा सुनना बात को, सब बच्चे यहाँ देखेंगे
दोबारा समझो, मैंने अभी तक आपको बताया था फर्स्ट टाइप लीवर जिसमें फलक्रम बीच में है, दोबारा समझा रहा हूँ, अभी सोचना कि कुछ नहीं बताया सर, दोबारा बता रहे हैं। सेकंड टाइप के लीवर मैंने बताया था कि लोड बीच में होगा। थर्ड टाइप के लीवर मैंने बताया था बच्चे आपको कि एफर्ट बीच में होगा। ये बताया था मैंने कि यहाँ पे फलक्रम बीच में, यहाँ पे लोड बीच में, यहाँ एफर्ट बीच में। फिर मैंने आपसे कहा था कि दूरी हम हमेशा नापेंगे, डिस्टेंस नापेंगे फलक्रम से। तो फलक्रम से लोड तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? लोड आर्म। फलक्रम से एफर्ट तक की डिस्टेंस क्या कहलाएगी? एफर्ट आर्म। फिर यहाँ देख लो, फलक्रम से लोड तक की दूरी, एक सेकेंड फोन बज गया, वन सेकेंड। मैं फोन को करता हूँ साइलेंट। यहाँ देखना बच्चे, फिर मैंने आपसे कहा बच्चे कि फल क्रम से लोड तक की डिस्टेंस क्या होगी? लोड आर्म होगी। और फल क्रम से एफर्ट तक की डिस्टेंस होगी? एफर्ट आर्म। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? फल क्रम से एफर्ट तक की डिस्टेंस हो गई एफर्ट आर्म, और फल क्रम से लोड तक की डिस्टेंस हो गई लोड आर्म। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। फिर बस हमने एक फॉर्मूला इंट्रोड्यूस किया मैकेनिकल एडवांटेज का। तो मैकेनिकल एडवांटेज, यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला क्या है हमारा, कि ऊपर क्या है? एफर्ट आर्म है, नीचे है लोड आर्म। ठीक है, अब मैंने कहा कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है ये एक भी हो सकती है, एक से ज़्यादा भी हो सकती है, एक से कम भी हो सकती है। वो देखो डिपेंड किस बात पे करेगा। जैसे हम फर्स्ट टाइप का लीवर लेते हैं, तो फर्स्ट टाइप के लीवर में अगर ये फलक्रम बिल्कुल बीचों बीच हो, अगर ये एफ बिल्कुल मिड पॉइंट हो, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस तो बराबर आएंगी। अगर ये दोनों डिस्टेंस बराबर आ जाए तो कट जाएगा, तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका आ गया एक। यानी अगर फलक्रम बीचों बीच है तो मैकेनिकल एडवांटेज आपका एक आ गया। जैसे इसका एग्जाम्पल आप ले सकते हैं झूला, सीसा। फिर मैंने कहा बच्चे अगर कभी ऐसा हो जाए कि ये वाली डिस्टेंस तो ज़्यादा हो और ये वाली डिस्टेंस कम हो, अगर नीचे वाली डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम आएगी। जैसे आप इसका एग्जांपल लिख सकते हैं सीजर, कैंची, कैंची। फिर मैंने कहा बच्चे ये भी तो हो सकता है कि ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा है और ये वाली डिस्टेंस कम आए, जैसे कि हमने भी देखा था पाइलर में, तो पाइलर्स का एग्जाम्पल हो गया ये। तो हमने क्या देखा कि जो फर्स्ट टाइप के जो लीवर होते हैं इनकी मैकेनिकल एडवांटेज एक भी हो सकती है, इनकी मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम भी हो सकती है, इनकी मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा भी हो सकती है। यांत्रिक लाभ एक भी दे सकते हैं ये, यांत्रिक लाभ एक से कम भी दे सकते हैं, यांत्रिक लाभ एक से ज़्यादा भी हो सकता है। वो डिपेंड इस बात पे करेगा कि फलक्रम बिल्कुल बीचों बीच है, इसके नज़दीक है तो ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी, अगर इसके नज़दीक है तो ये वाली डिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी। तो पेपर में क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट टाइप के जो लीवर हैं इनका यांत्रिक लाभ कितना होता है, एक, एक से कम, एक से ज़्यादा, या बोलेगा कि कुछ भी हो सकता है। तो आप बोलेंगे कुछ भी हो सकता है, एक से कम भी, एक से ज़्यादा भी, और एक के बराबर भी। जैसे मैंने कहा कि बीचों बीच अगर फलक्रम है, जैसे कि सीसा में हमने देखा झूले वाले केस में, तो मैकेनिकल एडवांटेज एक मिलेगी। अगर मैं अगर आपने सीजर वाले केस में देखा देखा कि लोड आर्म बड़ी आई थी तो मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम मिलेगी। पायलट से हमने देखा था कि एफर्ट आर्म बड़ी थी तो मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा आई थी। तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई है? पहले मुझे एक चीज़ बताओ कि क्या मैकेनिकल एडवांटेज के फॉर्मूले से, यांत्रिक लाभ के फॉर्मूले से आप ये तीन बातें समझ पाए क्या कि ये बिल्कुल बीच में है तो क्या होगा, ये होगा, ये अगर इसके नज़दीक आ गया तो क्या होगा, ये इसके नज़दीक आ गया तो क्या होगा, यानी कि ये चीज़ बढ़ गई तो क्या होगा, ये चीज़ बड़ी हो गई तो क्या होगा। और इसके एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ से जो मैंने बाकी दो बताए। इसे कैंची में ये वाला हिस्सा लंबा होता है, यानी कि फलक्रम से लोड तक की दूरी होती है ज़्यादा, तो लोड आर्म बड़ी होती है। लेकिन पाइलर्स में प्लास के अंदर ये वाला हिस्सा होता छोटा, ये वाला होता बड़ा, तो यहाँ पे एफर्ट आर्म बड़ी होती है, तो इसकी मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा है, इसकी मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम है। ये बात क्लियर हुई कि नहीं पहले मुझे बताओ, तभी हम आगे बढ़ेंगे। यस सर समझ आ गया, ज्योति पटेल कह रहे हैं, संतू कुमार कह रहे हैं, हाँ सर, आशीष कुमार, यस सर क्लियर है, समझ आ गया, ओके। पप्पू कुमार, भाई पप्पू नाम मत रखा करो, मुझे हंसी से आ जाती है, पप्पू कुमार ये पुराने ज़माने में नाम होता था, अब तो तुम नए नए बच्चे हो, थोड़ा नाम थोड़ा बढ़िया सा रखो, क्लासिक सा, कशिश रखो नाम, बेहतरीन सा, ऋतिक वितिक टाइप से का ना, जो आजकल चल रहे हैं, नाम चेंज करो, ये पप्पू से कर दो कुछ बढ़िया क्लासिक, दुष्यंत झंगेला, दिलीप कुमार, नवीन कुमार, अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, मज़ा आ गया, पहली क्लास ऐसी है जो भाई पहली बार में समझ गई है। चलो भाई आज से मैं तुम्हारा फ़ैन बन गया हूँ, यहाँ देखेंगे। अभी मैं इनके मतलब भी बताऊंगा कि मैकेनिकल एडवांटेज एक है तो इसका मतलब क्या है, एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, एक से कम है तो इसका मतलब क्या, सारी बातें पर हम आएंगे, टेंशन बिल्कुल लेने का नहीं, ठीक है, टेंशन लेंगे गुरुजी, गुरुजी ने तुम्हारे से पैसे ले लिए हैं तो टेंशन लेनी हमारी जिम्मेदारी है। यहाँ देखो, ठीक है, यहाँ देखेंगे, हाँ फ्री का ज्ञान मैं भाई बिल्कुल देता नहीं हूँ, ये थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है मेरे साथ। यूट्यूब पर मैं बहुत ही रेयर ही क्लास लेता हूँ फ्री का ज्ञान कम से कम, यहाँ देखो, वरना फिर तुम पढ़ते नहीं हो, फ्री ज्ञान को तुम समझते हो कि ऐसे कोई भी उठा के चलाया। और भी एग्जांपल बताएंगे, भी एग्जांपल बताऊंगा मैं अलग से, फर्स्ट टाइप के लीवर के, सेकंड के, थर्ड के, अभी मैं बता रहा हूँ।
सर ये सब फर्स्ट टाइप लीवर का एग्जांपल है। हाँ ये तीनों फर्स्ट टाइप लीवर का एग्जांपल जब मैं लिखवाऊंगा अलग से लिखवा दूंगा। अभी आप ये समझो कि मैंने आपको एग्जांपल बताया ही नहीं है, अभी मैंने केवल मैकेनिकल एडवांटेज के बारे में बताया। इसके मैं आपको कई सारे एग्जांपल लिखवाऊंगा, इसके अलग से लिखवाऊंगा, इसके अलग से, अभी केवल यहाँ ध्यान देंगे। अच्छा चलो यहाँ देखेंगे, ये बच्चा कह रहा है कृष्ण नाम रख लो। विनीत भाई यहाँ देख लो, सर आज खुश लग रहे हो, सर आपसे पढ़ने में मज़ा आ जाता है, खुश लग रहे हैं। अच्छा ऐसा है क्या भाई, मैं घर से सोच के आया हूँ कि थोड़ा सा चैप्टर ऐसा है, बहुत ध्यान से जरा सा भी गुस्सा नहीं होना बच्चों पे, क्योंकि आज अगर आपको थोड़ा कम समझ में आए तो जेन्युइन प्रॉब्लम मैं मानूंगा। हाँ अगर किसी बच्चे को लाइट समझ में नहीं आ रही, रिफ्लेक्शन समझ में नहीं आ रहा, तो फिर लगता है यार इसमें पता नहीं क्यों नहीं आ रहा, ये बुद्धि का मैं क्या बच्चे में, पर आज मैं ऐसा कुछ नहीं मानूंगा। यहाँ देखो अच्छा बच्चा, सेकंड टाइप लीवर में तो आपको एक चीज़ दिख गई साफ साफ क्लियर दिख रही है कि यहाँ पर तो जो एफर्ट आर्म है वो बड़ी है, लोड आर्म छोटी है, साफ साफ दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा सभी को, बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। यहाँ पे देखो ये ई ए तो इतना बड़ा है, एल ए इतना सा है, तो यहाँ पे ई ए हमेशा एल ए से बड़ा ही होगा। तो आपको मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला पता ही है, वो क्या होता है ई ए अपॉन एल ए, यानी अगर ई ए बड़ा है ये वाला हिस्सा बड़ा है छोटा, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज आएगी एक से ज़्यादा, यानी कि सेकेंड टाइप के लीवर में यांत्रिक लाभ फिक्स है कि एक से अधिक ही होगा। इसमें आप एक या एक से कम वाला ऑप्शन पर टिक नहीं लगाएंगे। तो द्वितीयक प्रकार के जो उत्तोलक होते हैं उनका यांत्रिक लाभ हमेशा एक से ज़्यादा होता है, हमेशा एक से ज़्यादा। अब थर्ड टाइप के लीवर पर आते हैं, यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि लोड आर्म बड़ी है, किससे, एफर्ट आर्म से। तो मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ का फॉर्मूला हमें पता है, आयास भुजा बटे भार भुजा। तो आपको दिख रहा है अगर ये हिस्सा नीचे वाला बड़ा हो ऊपर वाला छोटा हो तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या आएगी, एक से ज़्यादा। तो हमने देखो क्या बस समझा, पेपर में क्वेश्चन कैसा आएगा, द्वितीयक प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ कैसा होता है, तो हम बोलेंगे द्वितीयक प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है, तृतीयक प्रकार के उत्तोलक का यांत्रिक लाभ एक से अधिक होता है, लेकिन जो प्रथम प्रकार के उत्तोलक हैं उनमें यांत्रिक लाभ एक भी हो सकता है, एक से अधिक भी हो सकता है, एक से कम भी हो सकता है। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ मैंने आपको कितना पढ़ाया, मैं आपको केवल डेढ़ लाइन बताऊंगा, इन डेढ़ लाइन में सर कौन से क्लास में ये चैप्टर, अरे तुम जिस भी बैच में तुमने ले रखा है तुम्हें उससे मतलब है, तुम्हें क्लास से क्या मतलब, तुम तो अपने घर में अकेले ही पढ़ रहे हो, मैं 100 बच्चों पढ़ाऊँ या 1000 को पढ़ाऊँ, तुम तो भैया अकेले ही पढ़ रहे हो ना, कोई तुम्हारी जगह तो घेर नहीं रही। यहाँ देखो मैंने आपको केवल 2.5 मिनट का कंसेप्ट पढ़ाया, PDF मिलेगी बिल्कुल, देखो मैंने आपको 2.5 मिनट में क्या पढ़ाया सुनना, केवल 2.5 मिनट का मामला है। सबसे पहला क्वेश्चन कि फर्स्ट टाइप के लीवर में क्या होता है, अब बोलेंगे फर्स्ट टाइप के लीवर वो है जहाँ फलक्रम बीच में हो, यानी लोड एक तरफ हो एफर्ट एक तरफ हो। ठीक है, एक बात मैंने आपको बताई, दूसरा मैंने बताया आपको बच्चे, दूसरा मैंने ये बताया कि सेकंड टाइप के लीवर वो है जहाँ पे लोड बीच में है, थर्ड टाइप के लीवर वो है जहाँ पे एफर्ट बीच में है, जहाँ पे एफर्ट बीच में है। तो समझो मैंने एक लिखवाया था फिली, तो मैंने आपको एक फिली पढ़ाया था, फिली का मतलब क्या है कि अगर फलक्रम बीच में है तो पहले टाइप का लीवर, अगर लोड बीच में है तो सेकंड टाइप का लीवर, अगर एफर्ट बीच में है तो थर्ड टाइप का लीवर, ये तो आपको याद हो गया। फिर मैंने बताया यांत्रिक लाभ, तो यांत्रिक लाभ एक से अधिक मिलेगा सेकंड टाइप के लीवर में, अरे ये छोटा लिखना मुझे हल्की सी गलती होगी सॉरी, एक मिनट, ये मैकेनिकल एडवांटेज, अगर ये हिस्सा बच्चे बड़ा है तो ये आएगा छोटा। ठीक है, तो मैंने कहा बच्चे आपसे कि अगर यांत्रिक लाभ पूछे तो सेकंड टाइप का लीवर यांत्रिक लाभ एक से अधिक देगा, थर्ड टाइप का लीवर यांत्रिक लाभ एक से कम देगा, जबकि यांत्रिक लाभ तीनों टाइप के दे सकता है, तीनों देगा, ये एक के बराबर भी, एक से कम भी, एक से ज़्यादा भी, बस इतना बताया मैंने। ठीक है सर, थर्ड टाइप में एक से ज़्यादा नहीं, थर्ड टाइप में होता एक से कम, सेकंड टाइप में होता एक से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ देखो ना एफर्ट आर्म बड़ी है लोड आर्म छोटी है, तो सेकंड टाइप में मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा होगी, थर्ड टाइप में बच्चे आपको दिख रहा है कि बी ई बीच में है तो ये वाला हिस्सा छोटा, ये वाला हिस्सा बड़ा, अगर ये वाला हिस्सा बड़ा होगा तो मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम आएगी। ठीक है, वो गलती से लिखा गया, बताया मैंने सही था। ठीक है, अच्छा सर एक से कम होगा तीसरे में, हाँ भाई मैंने लिख दिया, वो मैंने देखा नहीं उधर नज़रें पलट के आपसे बात करने में लग गया मैं। ठीक है, अब देखो अब इनके मतलब देखना कि सेकंड टाइप का लीवर मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा देता है, इसका मतलब क्या है, पता क्या है इसका मतलब, अगर मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा है इसका मतलब यह कि ऐसा जो लीवर है यानी ऐसी जो सिंपल मशीन है ये फोर्स को कई गुना बढ़ा देगी। मैकेनिकल एडवांटेज अगर एक से ज़्यादा हो, मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ अगर एक से ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि ये फोर्स को मल्टीप्लाई करेगा, बल कई गुना बढ़ा देगा, ये फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ,
आपको बढ़िया समझ में आएगा। देखो, आपने अपने घर में एक देखा होगा नट क्रैकर होता है ना, घरों में नट क्रैकर। तो देखो नट क्रैकर को समझना आप, नट समझ रहे हो, अखरोट टाइप का। देखो आपके पास बच्चे घर में क्या है, आपने एक एग्जाम में कैसा आएगा मैं सब बता दूंगा, यहाँ सुनना। आपके पास एक अखरोट है, आप हाथ से दबा रहे हैं ऐसे करके दबा रहे हैं, पर वो दब नहीं रहा, टूट नहीं रहा आपसे। तो आप क्या करेंगे, चैप्टर का नाम बता दो भाई। बीच में जो बच्चा लाइव क्लास मत ले मेरे से, चैप्टर का नाम मैं कुछ नहीं बता रहा। जो बच्चा लाइव क्लास लेना है शुरू से आया करो। एक वाली क्लास में 1:30 बजे मुंह उठा के तुम आ जाते हो लाइव, फिर पूछते हो कि कौन चैप्टर है, ऐसी बदतमीजी कोई ना करे। बीच में आके बाकी बच्चों को डिस्टर्ब ना करे बिल्कुल भी। तो अगर आप बीच में लाइव आए तो मत आया करो, शुरू से आया करो लाइव। तो बच्चा आपसे कनेक्ट जो है, जो आपसे अखरोट टूट नहीं रहा, आप उस अखरोट को क्या करोगे, यहाँ बीच में रखोगे और यहाँ से दबाओगे, टक से अखरोट टूट जाएगा। तो इसने क्या किया बच्चे, इस नट क्रैकर ने क्या किया, इसने फोर्स कई गुना बढ़ा दिया। यानी अगर आपको हाथ से दबा रहे थे तो कम ताकत लग रही थी, लेकिन नट क्रैकर आपने लिया, भड़क नट टूट गया। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना आप, नट क्रैकर में बीच में लोड है, यहाँ से बच्चे आप एफर्ट लगा रहे हैं, ये आपका एफर्ट हो गया इधर, ये आपका फिक्स पॉइंट हो गया, ये आपका फलक्रम हो गया। तो आप एक चीज़ देखो, लोड बीच में, तो कौन से टाइप का हो गया बच्चे, सेकंड टाइप का। नट क्रैकर सेकंड टाइप के लीवर का एग्जांपल है, जब मैं एग्जांपल लिखूंगा तो वहाँ पे बता दूंगा आपको अलग से। मैं अभी मैं केवल ये बताना चाह रहा हूँ कि सेकंड टाइप के लीवर यानी जिनमें लोड बीच में होता है, भाई आपको पता ना FLE, अगर लोड बीच में है तो सेकंड टाइप के लीवर है। तो सेकंड टाइप के जो लीवर होते हैं बच्चों, करते क्या है, इनका काम होता है फोर्स मल्टीप्लायर का, फोर्स को कई गुना बढ़ा देते हैं। क्योंकि अगर आपको नट क्रैकर लिया तो नट्स आपसे नहीं टूट रहा था, आपने उसे ऐसा पकड़ा खचाक तो आपने उसे तोड़ दिया बड़े आराम से, ठीक है। तो ये हो गया बच्चा आपका, जो सेकंड टाइप के लीवर होते हैं इनका मैकेनिकल एडवांटेज होता है, यांत्रिक लाभ होता है एक से ज्यादा। तो मैकेनिकल अगर एडवांटेज अगर आपको एक से अधिक मिल रहा है, इसका मतलब है कि वो फोर्स को मल्टीप्लाई करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर का काम करेगा। अगर मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम है तो इसका मतलब कि स्पीड मल्टीप्लायर का काम करेगा, यानी कि ये स्पीड कई गुना बढ़ा देगा, आपके काम करने की रफ्तार को बढ़ा देगा, मल्टीप्लायर, ये स्पीड मल्टीप्लायर काम करेगा। जैसे मैं थर्ड वाले का एग्जांपल ले लेता हूँ जिसमें एफर्ट बीच में हो। देखो आपके मम्मी ने क्या किया बच्चे, चिमटा लिया। तो आपको पता बच्चे, जो चिमटा होता हमारे घर में, वो चिमटा आपको रोटी पकड़नी है, तो रोटी उठाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं चाहिए, आपको फटाफट रोटी उठानी है, आपको स्पीड बढ़ानी है। तो आपने क्या किया, आपकी मम्मी ने रोटी यहाँ से ली, रोटी को यहाँ पर दबाया, तो ये तो हो गया आपका लोड हो गया। यहाँ से आपकी मम्मी चिमटा पकड़ेंगी, यहाँ से बीच में से, ध्यान दो ना, चिमटा यहाँ से पकड़ती है बीच में से, हो गया एफर्ट। ये जो आपको हो गया, ये जब आप ऐसे करते हैं ना, ये वाला पॉइंट हिलता है, ये हो गया आपका फलक्रम। तो अगर एफर्ट बीच में है, तो हमने पढ़ा था FLE, अगर एफर्ट बीच में है तो थर्ड टाइप का लीवर होगा। तो थर्ड टाइप के लीवर में फोर्स बढ़ाने की जरूरत नहीं, स्पीड को बढ़ाते हैं, आपके काम करने की रफ्तार को बढ़ा देंगे, फटाफट रोटी पलटेंगे आपके मम्मी स्पीड के साथ, फटाफट रोटी निकालेंगे अंगीठी से, चूल्हे से फटाफट सेक देंगे उसे। तो हमने क्या देखा कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा है, इसका मतलब है कि आप फोर्स को कई गुना बढ़ा देंगे, फोर्स कई गुना बढ़ाने काम करेंगे ऐसे लीवर। अगर मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम है तो ये स्पीड बढ़ाने का काम करेंगे। तो मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम तो स्पीड बढ़ेगी, मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा तो बच्चे क्या बढ़ेगा, आपका फोर्स बढ़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ आप, अगर यहाँ पे भी ऐसे होगा, जब मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम है यानी कि आप स्पीड बढ़ाने का काम करेंगे, स्पीड बढ़ाने का, चलो हम देख लेते हैं। अब मैंने फर्स्ट टाइप के लीवर में इसका जो मैंने एग्जांपल लिया था बच्चों, सीजर लिया था, कैंची लिया था। अब यहाँ पे देखना, कैंची को मैं दोबारा लेके आता हूँ। अब एक चीज़ बताओ मुझे, आपके पास ये बच्चे कैंची है, ठीक है। तो कैंची में आपको करना क्या होता है, ध्यान सुनना, कैंची को आप देखना, आपको कोई भी कागज़ फाड़ना है, अब सीधा फाड़ना चाहते हो, बहुत धीरे धीरे आपको फाड़ना पड़ेगा, बहुत धीरे धीरे, वरना वो टेढ़ा फट जाएगा। लेकिन आप कैंची लेना, आपने कागज लिया, फोर्स तो बहुत जरूरत नहीं है, बस आपको स्पीड बढ़ा देगी कैंची। क्यों, ये स्पीड क्यों बढ़ा देगी कैंची आपकी, क्योंकि जो कैंची होती है उसमें आपने देखा होगा कि इसकी मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम आई थी, मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ एक से कम आया था। लेकिन अगर आप बच्चे पाइलर्स देखेंगे, आपको कील उखाड़नी है तो बहुत फोर्स चाहिए आपको, तो मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा आया था पाइलर का। तो पाइलर्स में मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा आया था, यानी कि फोर्स को बढ़ा रहा है, और ये बच्चे कैंची क्या कर रही थी, स्पीड को बढ़ा रही है। तो यानी जब भी मैकेनिकल एडवांटेज एक से ज़्यादा हो तो फोर्स बढ़ेगा, फोर्स मल्टीप्लायर काम करेगा, मैकेनिकल एडवांटेज एक से कम हो तो स्पीड बढ़ेगी। अगर एक के बराबर हो तो क्या होगा, इसमें बच्चे क्या होगा, आपने यहाँ पे लोड रखा, आपने इधर एफर्ट लगाया, तो क्या होगा, ये केवल आपके जो एफर्ट के डायरेक्शन को, फोर्स के डायरेक्शन को बदलेगा। तो लिखेगा ये चेंज कर देगा, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, ये केवल चेंज डायरेक्शन, ये केवल ना तो स्पीड में कुछ फर्क करेगा ना फोर्स में, केवल डायरेक्शन चेंज करेगा, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स,
बल की दिशा को बदल देगा ये, यानी आप बल लगा तो इधर रहे हो पर मिल इधर रहा है, तो ये आपको क्या करेगा, चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट या फोर्स, जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, अब यहाँ तक मुझे कुछ समझ में नहीं आया, मैं ऐसा मान लेता हूँ, मैं ऐसा हटा देता हूँ, न मुझे कुछ समझ में आया ना आपको कुछ समझ में आया। अब मैं यहाँ पर जो बताने वाला हूँ उससे अगले 5 मिनट में सब कुछ समझ में आ जाएगा। देखो सबसे पहले यहाँ देखेंगे हम, पहले मैंने कहा एक चीज़ होती है मैकेनिकल एडवांटेज, इसकी वैल्यू 1 भी हो सकती है, मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू 1 से कम भी हो सकती है, मैकेनिकल एडवांटेज यांत्रिक लाभ की वैल्यू 1 से अधिक भी हो सकती है। ठीक है, अभी केवल इतना ध्यान दो। अच्छा, फिर मैंने अगर अगर यांत्रिक लाभ 1 से अधिक आ रहा है वो किसका काम करता है, फोर्स को कई गुना बढ़ाने का, फोर्स कई गुना बढ़ाने का। मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम है, ठीक है, तो इसका काम होता है बच्चे स्पीड को कई गुना बढ़ा देने का, इतना ध्यान देना। मैकेनिकल एडवांटेज बच्चे अगर 1 के बराबर है तो इसका मतलब ये है कि आपके एफर्ट के डायरेक्शन को बदल देगा। आप एफर्ट इधर लगा रहे हैं लेकिन आपको मिल उधर रहा है, आपने इधर फोर्स लगाया वजन इधर का उठ गया, इधर बच्चा बैठा उधर का बच्चा उठ गया, तो इसका काम क्या होता है, केवल डायरेक्शन को चेंज करना, यह डायरेक्शन चेंज करने का काम करता है, दिशा को बदलने का। ठीक है, अभी आपको नोट्स इनके मिल जाएंगे पीडीएफ में, अभी सुनना, ये फोर्स बढ़ाएगा, ये स्पीड बढ़ाएगा, ये डायरेक्शन को चेंज करेगा। फिर मैंने आपसे कहा कि अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा किससे मिलेगी, मैंने कहा कि सेकंड टाइप के लीवर तो केवल एक ही काम कर सकते हैं, ये केवल मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा देंगे। मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम कहाँ पे मिलेगी, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम मिलेगी बच्चे आपको कहाँ पे, थर्ड टाइप के लीवर में। लेकिन फर्स्ट टाइप के लीवर क्या करेंगे, वो तीनों काम कर सकते हैं, क्योंकि उनमें ऐसा भी हो सकता है कि फलक्रम बिल्कुल बीचों बीच हो, किसी एक के नज़दीक हो फलक्रम या दूसरे के नज़दीक हो। तो फर्स्ट टाइप के लीवर का काम जो होता है वो सब करने का है, स्पीड को बढ़ाने का भी है, जैसे कैची एग्जांपल लिया, फोर्स बढ़ाने का जैसे पायलट से लिया हमने, और डायरेक्शन चेंज करने का जैसे हमने लिया झूले के सीसा वाला। यहाँ पे हमने देखा मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा देंगे सेकंड टाइप के लीवर, जैसे हमने क्या लिया बच्चे, यहाँ पे हमने लिया था नट क्रैकर, और थर्ड टाइप के लीवर में हमने एग्जांपल लिया था चिमटे का, जिसका काम क्या होता है बच्चे, मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम देगा। जो मैंने अभी बताया है इसमें मुझे बताओ कि थोड़ा सा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी क्लियरिटी आ रही है कि नहीं आ रही है, कि अब हम फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइप के लीवर को कैसे कैटेगराइज कर सकते हैं, दो तरीके से, एक तो इस हिसाब से कि बीच में क्या है, और एक इस हिसाब से कि उनकी मैकेनिकल एडवांटेज उनका यांत्रिक लाभ कैसा होगा। यहाँ पे फिक्स है 1 से कम ही होगा, यहाँ फिक्स है 1 से अधिक ही होगा, यहाँ पे क्या कोई भी हो सकता है। फिर इनके मतलब क्या है कि बल को बढ़ाने का काम करते हैं सेकंड टाइप के लीवर, थर्ड टाइप के लीवर स्पीड बढ़ाने का काम करते हैं, फर्स्ट टाइप के लीवर स्पीड भी बढ़ा सकते हैं, फोर्स भी बढ़ा सकते हैं, डायरेक्शन भी बदल सकते हैं। ये थोड़ी सी बात आई कि नहीं आई क्लियर, बताओ मुझे ईमानदारी से। देखो मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। अभी यशवंत कुमार एक नया नाम पढ़ा हमने, मुशाजिद राजा, सर पुली वाला चैप्टर भी कराओगे क्या, पुली वाला अगर हम देखेंगे जब आगे पढ़ेंगे न्यूटन के नियम तब आ रहा है, ऑल ओके सर, अरे वाह बहुत बढ़िया गुड, यानी कि आप सभी बिल्कुल फोकस्ड होकर देख रहे हैं। हाँ ठीक है, मानस कुमार पात्रा, प्रभाकर सोनूपाल, आशीष कुमार सिंह, हाँ सर जूली वात्सले माझी कह रहे हैं 80% आ गया, बाकी एक बार आप दोबारा पढ़ेंगे तो 100% आ जाएगा। साइंस वाले बच्चे ज़्यादा स्पीड से पढ़ सकते हैं इस वाले टॉपिक को, बाकी ठीक है, खासतौर से मैंने कहा रेलवे के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अब हम क्या करेंगे बच्चे, अब पेपर में इन दो के अलावा तीसरा क्वेश्चन देखो क्या आता है, तीसरा क्वेश्चन क्या आता है पेपर में, एक तो मैंने बताया, अब देखो क्वेश्चन कैसे कैसे आएंगे, अब क्वेश्चन की लैंग्वेज समझना, पेपर में, पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज ऐसी होगी, वो बोलेगा यदि फल क्रम बीच में हो तो एक किस टाइप का लीवर है, आप बता देंगे फर्स्ट टाइप का, अगर लोड बीच में हो तो किस टाइप का लीवर होगा सेकंड टाइप का, अगर एफर्ट बीच में हो तो थर्ड टाइप का, ये तो हो गया एक चीज़। फिर वो पूछ लेगा कि जो सेकंड टाइप के लीवर होते हैं इनका यांत्रिक लाभ कैसा होता है, आप बोल देंगे जी इनका यांत्रिक लाभ होता है 1 से अधिक, ये क्वेश्चन बता रहा हूँ कैसे आएंगे पेपर में। थर्ड टाइप के लीवर का यांत्रिक लाभ क्या होता है जी 1 से कम होता है, फिर एक को बोल देगा कि फर्स्ट टाइप के लीवर का यांत्रिक लाभ कैसा होता है जी कुछ भी हो सकता है। थर्ड टाइप का क्वेश्चन आएगा कि अगर यांत्रिक लाभ 1 से अधिक कोई लीवर दे रहा है तो क्या काम करेगा जी फोर्स बल को बढ़ाने का, यदि किसी लीवर का यांत्रिक लाभ 1 से कम है तो क्या करेगा बच्चे वो काम करेगा, किसका काम करेगा भाई वो स्पीड बढ़ाने का, यांत्रिक लाभ 1 के बराबर है तो यानी कि एफर्ट की डायरेक्शन बदल देगा। ठीक है, बस इतना आपको ध्यान रखना है। अब हमें पढ़ना है जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा इसमें, वो आएगा बच्चे एग्जाम्पल से कि चिमटा कौन से टाइप का लीवर है, कैंची कौन से टाइप का लीवर है, सीसा कौन से टाइप का लीवर है, आपसे बोल देगा पेपर के अंदर कि जो फिशिंग मशीन है वो किस टाइप का लीवर है, इस टाइप के कुछ आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो मैं आपको बता देता हूँ। अब हम लिखेंगे एग्जाम्पल ऑफ फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, जो पेपर में आए हुए इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम्पल हैं वो सारे मैं कवर करूँगा। ठीक है, एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट टाइप लीवर, तो लिखेंगे लेंगे
प्रथम प्रकार के लीवर के उदाहरण, प्रथम प्रकार के लीवर के उदाहरण, प्रथम प्रकार के लीवर के उदाहरण। रामशंकर प्रजापति, ठीक है भैया, आप तो तेज हो भाई रामशंकर प्रजापति जी, सारे नंबर लग रहा आप ही ले जाओगे, इतना आंसर दे रहे हो आप। एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट टाइप लीवर, प्रथम प्रकार के लीवर के उदाहरण। देखो इसका आपको तीन चार तो मैं एग्जाम्पल बता ही चुका हूँ, जो फेमस हैं उन्हें दोबारा ले लेते हैं। सबसे पहले इसका एक एग्जाम्पल लिखेंगे हम, यही अपना सीसा, क्योंकि फर्स्ट टाइप के लीवर का मतलब क्या कि फलक्रम बीच में होना चाहिए। तो आपको पता ही बच्चे जो झूला होता है अपना, ये इसमें फलक्रम होता है बीच में, एक तरफ जो बच्चा बैठा मान लो से लोड मान लो, दूसरे वाले को एफर्ट मान लो, ठीक है। एक तो हो गया ये फर्स्ट टाइप के लीवर का एग्जाम्पल। अच्छा सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे इसका हम, वही जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, सीजर्स कैची। इसमें थोड़ा सा अच्छा सा बना देते हैं फोटो, सुंदर सुशील, क्योंकि अब आप तेज हो चुके हो और आपके साथ मेरी भी आर्ट बढ़िया हो चुकी है, ऐसा मान लो। ऐसा हालांकि होती नहीं है कैची, पर मान लो भाई गुरुजी की आर्ट थोड़ी गंदी सी है, साइंस पढ़े हैं इसलिए। ये फलक्रम यहाँ भी बीच में है, यहाँ से आप एफर्ट लगाएंगे, यहाँ बच्चे आप कुछ कपड़ा वपड़ा रखेंगे तो ये लोड हो गया। तो यहाँ भी देखो फलक्रम बीच में है, एफर्ट एक तरफ, लोड एक तरफ, यानी कि फर्स्ट टाइप का लीवर है। फलक्रम बीच में, लोड एक तरफ, एफर्ट एक तरफ, यानी कि फर्स्ट टाइप का लीवर है। तीसरा बच्चा अपना वही है पाइलर, पाइलर्स सीजर्स था। इसमें मैंने आपको बताया था बच्चे, जैसे कि ये आपका इसमें बच्चे यहाँ पे आपने कोई भी चीज रखी, ये लोड है आपका, ये फिक्स पॉइंट है आपका जो घूमता है फलक्रम, ये बच्चे आपने क्या लगाया यहाँ पे एफर्ट। तो ये भी कौन से टाइप का एग्जांपल हो गया, ये भी हो गया बच्चे आपका फर्स्ट टाइप का, क्योंकि फलक्रम बीच में है ना। जब भी फलक्रम बीच में आपको दिखे, मैं आप अलग से मार्क कर देता हूँ, फलक्रम बीच में है, एफर्ट लोड अलग अलग साइड है, फलक्रम बीच में है, एफर्ट लोड अलग अलग साइड है, फर्स्ट टाइप का लीवर। फलक्रम बीच में है, लोड एफर्ट अलग अलग साइड, यानी फर्स्ट टाइप का। एक जो पेपर में आता बहुत ही जो फेमस है वो लिखेंगे क्रोबार। देखो क्रोबार क्या बच्चे यहाँ देखना, मान लो कि बच्चे कि यहाँ पे एक पत्थर है, इस पत्थर को आप उठाना है, तो आप क्या करते हैं, हमने कई बार देखा कुछ लोगों ने ऐसे ना, ये हॉकी के टाइप के एक छड़ लेंगे और यहाँ पे ना एक छोटा सा पत्थर के ऊपर से टिका देंगे, ठीक है, और यहाँ से ऐसे झटका देंगे टक, तो पत्थर ऐसे बाहर निकल जाएगा, जहाँ पे भी रखा होगा ये, इस पत्थर को बाहर फेंक देंगे। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दो, ये बच्चे यहाँ पे ना, यहाँ पे आपने इस छड़ को टिका दिया, तो और यहाँ पे आपका लोड है, ये तो लोड हो गया, यहाँ से आप ऐसे हाथ से नीचे की तरफ को दबाएंगे इसे छड़ को, ये आपका एफर्ट हो गया, ठीक है, और ये आपका हो गया फिक्स पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे आपका आपने से यहाँ पे फिक्स कर लिया, ये ऐसी रोड है हॉकी के टाइप की, तो यहाँ पे आपका लोहा आपने यहाँ पे पत्थर के नीचे फंसाया इसे, यहाँ पे छोटा पत्थर पे से टिका दिया आपने इसे, ये आपका हो गया फलक्रम, ये फिक्स पॉइंट हो गया। आप इसे ऐसे ऐसे करेंगे तो पत्थर बाहर की तरफ को निकलेगा, तो आपका फलक्रम बीच में, लोड एफर्ट अलग अलग साइड में, तो ये भी किसका एग्जाम्पल हो गया फर्स्ट टाइप के लीवर का। तो फर्स्ट टाइप के लीवर में हमने ये देखा, एक सीसा, क्रोबार, पाइलर, सीजर। पहले ये लिखो फिर मैं एक और बताऊंगा आपको। क्रोबार समझ रहे हो, यही क्रोबार एक छड़ टाइप की जो किसी वजन वगैरह को बाहर निकालने के काम आए, ठीक है। अब इसका मैं मनुष्य का जो बच्चे शरीर है उसे देखना, हमारे जो शरीर है ना इसमें भी आप लीवर ढूंढ सकते हैं। सर 12th लेवल ग्रेट लेवल क्वेश्चन का लेवल सेम होता है क्या, डिफरेंट होता है? देखो नहीं, 10th 12th लेवल में अगर उसने किसी फॉर्म को भरते समय बोला कि ग्रेजुएशन आपने करी हुई हो, और स्पेशली ये ना कहो कि साइंस में की है, चाहे कॉमर्स में की है, चाहे आपने आर्ट में की है, चाहे साइंस में की है, फिर लेवल सेम रहता है। अगर किसी में ऐसा हुआ कि उन्होंने कहा कि भाई इस पेपर को ग्रेजुएशन वाले बच्चे भर सकते हैं लेकिन केवल बीएससी वाले, फिर उसमें थोड़ा लेवल ज़्यादा आएगा, ठीक है। तराजू फर्स्ट टाइप के लीवर का एग्जाम्पल है, बिल्कुल सही कहा। जो तराजू होता है ना, तराजू एक सामान इधर रखा है इधर रखा, तो भी फर्स्ट टाइप के लीवर का एग्जाम्पल है, वो भी फर्स्ट टाइप के लीवर का, ठीक है। अब बच्चे मैं अपनी बॉडी के अंदर लीवर ढूंढने वाला हूँ, यहाँ पे ध्यान देना, सब बच्चे ध्यान देखना, देखो यहाँ देखना, देखो ये बच्चे मेरी गर्दन है, टक मैं नीचे गिरा रहा हूँ, टक, इसे बोलते हैं नोडिंग ऑफ हेड, गर्दन को ऊपर नीचे कर रहा हूँ टक। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, ये जो मेरा सर है, ये जो मेरा बच्चे सर है ना, ये आपको जो दिख रहा है ये हो गया लोड, क्योंकि लोड गिर रहा ना नीचे,
टक टक, ठीक है। अब यहाँ देखना, ये जो यहाँ पे एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा जहाँ पे आपकी गर्दन खत्म होती है और रीढ़ की हड्डी शुरू होती है, ये वाला जो पॉइंट आपको बच्चे दिख रहा है ना, ये आपका फलक्रम हो गया, क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट, इस बिंदु के परितः आपकी गर्दन ऊपर नीचे हो रही है, ठीक है। आप ध्यान देना कि आपकी गर्दन गिर रही है नीचे को, ये लोड हो गया, ये जो आप यहाँ पे हाथ लगा के देखो, पीछे एक पॉइंट सा आपको लग रहा होगा, वो हो गया आपका फलक्रम। लेकिन जब आपकी गर्दन नीचे गिरती है ना, आप ऐसे थोड़ा सा अपने कमर को ऐसे खींचते हो, रीढ़ की हड्डी को ऐसे खींचते हो, वो आप एफर्ट लगा रहे हो, आपकी जो मसल्स है ना, ये मसल्स टाइट हो जाती हैं, ये वाली तो मसल आपके टाइट हो गया, आपका एफर्ट हो गया, आप एफर्ट लगा रहे हैं रीढ़ की हड्डी से यहाँ से, ताकि आपकी गर्दन सीधी रहे, अपने ऐसे एफर्ट लगाया, तो ये हो गया एफर्ट, ये हो गया बच्चे आपका फलक्रम, और ये गर्दन जो हो गया बच्चे आपका, ये क्या हो गया, ये हो गया आपका लोड। तो जो नोडिंग ऑफ हेड है, गर्दन को ऊपर नीचे करना, ये भी कौन से में आएगा, फर्स्ट टाइप के लीवर का एग्जाम्पल है ये, नोडिंग ऑफ हेड, गर्दन को ऊपर नीचे करना, गर्दन को ऊपर नीचे करना, ठीक है, बिल्कुल सही, ठीक है। हाँ, स्पाइनल कोड एफर्ट लगा रही है, अभी स्पाइनल कोड ही तो आपको सीधा रखती है, आप कहते हैं ना रीढ़ की हड्डी अगर किसी मजबूत ना हो तो सीधा नहीं चल पाएगा वो, तो रीढ़ की हड्डी से आपने यहाँ पे एफर्ट लगाया, ये बच्चा आपका फलक्रम है, ये आपका क्या है बच्चे, लोड है, ठीक है। हाँ, जैसे भी मशीन में फर्स्ट टाइप के लीवर का एग्जाम्पल है, देखो आपने ऐसे देखा होगा कि जैसे यहाँ पे वो मिट्टी को उठा रहा है, ये मिट्टी लोड हो गया, JVCB मशीन होती है ना, और ये वाला पॉइंट ऐसे नहीं होता, वो जो मिट्टी को उठा के ऐसे डालते हैं, ये हो गया आपका बच्चे क्या, आपका फलक्रम हो गया, और जो जो लंबी सी डंडी होती है वो क्या हो गया, वो एफर्ट मिल रहा है वहाँ से, ताकत मिल रही है, तो JVCB मशीन भी फर्स्ट टाइप के लीवर के एग्जाम्पल में आएगा, ठीक है। धोरा बरा थोड़ा बड़ा लिखो, थोड़ा नहीं थोड़ा लिखते हैं उसे, थोड़ा बड़ा। LP के ये बैच होगा फायदेमंद सर, लोको पायलट के लिए भाई काफ़ी हद तक होगा, क्यों नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं बच्चे हम सेकंड टाइप के लीवर के एग्जांपल पे, इतने याद रखना है आपको फर्स्ट टाइप में, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, जितने मैंने बताया, देखो फर्स्ट टाइप में पेपर में क्या क्या आएगा ध्यान रखना, पेपर में आपको काम चल जाएगा खास तौर से सीजर कैंची से, पायलर्स प्लस से, या सीसा वाला एग्जांपल आता है, तीनों एग्जांपल कई बार पेपर में आए हुए हैं रेलवे के अंदर, तो झूले वाला केस, कैंची वाला केस, पायलर्स वाला केस, या क्रोबार वाला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये तो अलग अलग एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है। फिर उसके बाद मैंने आपको एक दो और बता दिए हैं, जैसे कि नोडिंग ऑफ हेड, सर को ऊपर नीचे करना, ये सब फर्स्ट टाइप के एग्जाम्पल, फर्स्ट टाइप के लीवर के एग्जाम्पल हैं, इससे ज़्यादा की जरूरत नहीं है, जितना बताया गया केवल उतना ज्ञान प्राप्त करना है। शुरू में एक आता है, इसमें फालतू ज्ञान की प्राप्ति नहीं करनी किसी भी बच्चे को। अब लिखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंड टाइप लीवर, द्वितीयक प्रकार के लीवर के उदाहरण, द्वितीयक प्रकार के लीवर के उदाहरण। LP के लिए बैच होगा तो बताइए। हाँ भाई देखो, LP वैसे टेक्निकल पेपर होता है, हम नॉर्मली नॉन टेक्निकल जो पेपर होते हैं वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन, तो उनके लिए हम क्या करते हैं बच्चे, ये पढ़ते हैं, लेकिन ALP में भी इतना है कि जो बाकी और नॉर्मली और आप किसी भी चैनल से पढ़ेंगे उससे ज़्यादा मैं आपको करा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। हाँ, मैं 100% की गारंटी नहीं लूँगा, लेकिन इतना मैं कह रहा हूँ कि आपको 80% तक मिल जाएंगे क्वेश्चन। देखो इसका एक मैंने एग्जांपल बताया था आपको। अच्छा, सेकंड टाइप के लीवर में बीच में क्या होता है बच्चे, लोड, तो यहाँ पे लोड बीच में आना चाहिए। इसका एग्जांपल हमने देखा था नट क्रैकर, मैंने कहा था कि यहाँ पे आपने नट फंसा लिया, तो बीच में तो हो गया आपका लोड, यहाँ हाथ से दबा रहे हैं आप इसे, ये बच्चे आपका क्या हो गया, एफर्ट, ये हो गया फिक्स पॉइंट बच्चे, तो ये फिक्स पॉइंट था, ये क्या था आपका, फलक्रम। तो इसमें हम लिखेंगे अभी, इसमें उतार लो ये कि नट क्रैकर, तो नट क्रैकर क्या होता है बच्चे, ये सेकंड टाइप के लीवर का एग्जांपल है, क्योंकि आपको लोड दिखाई दे रहा है बीच में, और ये फलक्रम और एफर्ट दिखाई दे रहे हैं आपको साइड में, ठीक है। आप नोट्स इनफ है क्या, या बुक से भी पढ़ना पड़ेगा, अरेबियन टी पेसिल, देखो मैं आपको बता दूं, आपको कोई अलग से किताब पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप क्लास नोट्स पढ़ेंगे, उन्हें बार बार रिवाइज करेंगे, बस साथ में आपने एक MCQ की बुक ले लेंगे प्रीवियस ईयर की, जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, लीवर का एग्जाम्पल इसमें कोई न्यूमेरिकल ऐसा बनता नहीं है, मैकेनिकल एडवांटेज से ही पूछता क्वेश्चन इसके अंदर। आप एक काम करेंगे कि आप कोई बुक ले लेंगे जिसके अंदर आप बुक से पढ़ सकते हैं, जैसे कि MCQ करने के लिए अलग से, यानी कि आप बुक पढ़ रहे हैं अलग अलग, इतना टाइम नहीं है, इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं आपको, फिर तो हो गया सिलेक्शन अगर ऐसे करोगे तो, ठीक है। नट क्रैकर, ऐसे बच्चे आप इसमें लिख सकते हैं लेमन स्क्यूज़र, आपने देखा जो जो नींबू निचोड़ने की मशीन आती है उसमें तो सेम ऐसे ही होता है, वो नींबू निचोड़ने की मशीन में आपने देखा होगा, वो नींबू फंसाया हमने ऐसे, नींबू रखा ऐसे, नींबू रखा और यहाँ से आप उसे दबाते हैं तो नींबू निचोड़ के आ जाता है बाहर,
तो बीच में हो गया लोड, यहाँ से एफर्ट बिल्कुल ऐसे होता है जो लेमन स्क्यूजर होता है, यहाँ पे आपने लेमन रखा, यहाँ से दबाएंगे, यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट होगा। तो लेमन जो स्क्यूजर है वो बीसी का एग्जांपल है। नट क्रैकर के बाद सेकंड निकलेंगे नींबू निचोड़ने की मशीन, नींबू निचोड़ने की मशीन। तो लेमन स्क्यूजर, नट क्रैकर, ये दोनों इसके एग्जाम्पल हैं। नट क्रैकर, ठीक है। एक जो बच्चे पेपर बड़ा इंपॉर्टेंट आता है इससे, वो देखना आप, वो है व्हील बैरो। व्हील बैरो जैसे कूड़ा उठाने की मशीन नहीं होती, जैसे आपने देखा होगा कि ये कूड़ा उठाने की जो मशीन होती है, उसे आप ध्यान से देखना। यहाँ पे मान लो कोई भाई है, ये सफाई कर्मचारी, ये हम भी हो सकते हैं, जरूरी है कोई स्पेशल वही हो, ठीक है। अब मान लो आपने यहाँ पे एक चीज़ देखी कि यहाँ पे लोड जो भी भरा ना, कूड़ा कचरा भरा हुआ है, ये लोड है, ये फिक्स पॉइंट है, ये हो गया आपका फलक्रम, और यहाँ से बच्चे ये अपने हाथ से एफर्ट लगा रहा है, ये हो गया एफर्ट। तो बच्चे लोड हो गया बीच में, साइड में आपका हो गया फलक्रम, एक तरफ हो गया एफर्ट। तो व्हील बैरो यानी जो कूड़ा उठाने की मशीन होती है, ये जो नट क्रैकर है, ये लेमन स्क्यूजर है, ये सब किस में आएंगे, ये सब बच्चे आ जाएंगे आपके सेकेंड टाइप के लीवर के एग्जाम्पल में। तो इसे लिख लो, सेकेंड टाइप के लीवर के एग्जाम्पल हैं ये, ठीक है। इन्हें हम कहेंगे सेकेंड टाइप के लीवर के एग्जाम्पल। एनटीपीसी होगा या नहीं भाई, एनटीपीसी क्यों नहीं होगा, जब फॉर्म भरे गए हैं, और अब तो बोल भी दिया रेलवे ने कि जो हमने पहले फॉर्म भरे गए हैं उनमें किसी तरह की कोई छटनी नहीं होगी, कुछ नहीं होगा, बिल्कुल वैसे ही पेपर लिए जाएंगे। एक समय बच्चे आप लिख सकते हैं बोटल ओपनर, बोटल ओपनर का मैं एग्जाम्पल देता हूँ आपको, बोटल ओपनर, बोटल ओपनर भी इसी के अंदर आएगा। देखो बच्चे, यहाँ देखना सरजीत मलिक जी, हाँ देखो बच्चे आपने यहाँ पे देखना, जब बोतल नहीं होती, आपने कांच वाली बोतल ली पेप्सी की, तो वैसे तो खुलती नहीं है, हाँ कुछ धुरंधर तो होते हैं, मुँह से खोल लेते हैं, तो आप क्या करते हो उसमें ओपनर फंसाते हो। देखो जहाँ पे ओपनर फंस गया, यहाँ पे ये यह फंस गया ना, यहाँ पे जैसे आप उसे पीछे की तरफ, जैसे ढक्का नहीं है, अच्छा समझ में नहीं आएगा ऐसे, यहाँ पे आपने बच्चे पीछे की तरफ उसे फंसा दिया, तो हो गया फलक्रम। यहाँ से आप एफर्ट लगा रहे हैं, ये एफर्ट इधर हो गया एफर्ट, और बीच में लोड जिसे आपको उठाना है। तो यहाँ पे ना जो बोतल ओपनर है, वैसे बना नहीं पाऊंगा बोर्ड पर, ध्यान रखना कि बोतल ओपनर इसमें नट क्रैकर वाला बहुत आता है, नट क्रैकर, व्हील बैरो एक ये, और लेमन स्क्यूजर, ये सब किसके एग्जांपल हैं, सेकंड टाइप के लीवर के। यहाँ तक लिखो, तब तक एक बार सारे के सारे मैं कमेंट ऊपर नीचे करके देख लेता हूँ। गुरुजी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन आरओ के सेंड किए थे, तो भाई मैंने कहा था कि एक बार में एक ही क्वेश्चन भेजना, अगर आप 2-3 भेजोगे तो उसका आंसर नहीं दिया जाएगा। सर वीडियो क्लियर नहीं आ रहा है भाई, आप थोड़ा सा अपना पिक्सल बढ़ा लो तो दिख जाएगा, ठीक है, क्लियर है। सर एनटीपीसी के लिए कौन सा चैप्टर मैं ज़्यादा वेटेज दूँ? एनटीपीसी के लिए सर हीट वाला चैप्टर हो गया, इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर हो गया, इन्हें आप विशेष रूप से दे सकते हैं। नहीं भाई सरजीत मलिक, CDS में बहुत घुमाकर पूछता है, बुक बता दो। मैंने कहा कि क्लास नोट वाला प्रीवियस ईयर, ठीक है। अच्छा इसमें हम ह्यूमन बॉडी वाला भी एग्जांपल देखेंगे, टेंशन मत लो। इसमें एक एग्जांपल लिखेंगे बच्चे, दरवाजा गेट, दरवाजा गेट, देखो कैसे आपने एक चीज़ देखी होगी, जैसे दरवाजा है आपके घर में, अगर ये दरवाजा ऐसे ही बच्चे आप इसे दीवार में गाड़ देते तो इतना लोहे का भारी दरवाजा हटाना बड़ा मुश्किल होता। अभी आपने क्या कर रखा है घर में, जो आपके दरवाजा है आपने देखा होगा कि इसमें से ना कब्जे से लगे होते हैं, कब्जे समझ रहे हो, ऐसे कब्जे लगे होंगे, और यहाँ पे हैंडल होगा, आप हैंडल को बड़े आराम से ऐसे उठाओगे, और इस पॉइंट है ना ये पॉइंट, इसके अबाउट ये दरवाजा ऐसा आप घुमा सकते हो आगे पीछे, यानी ये तो आगे हो गया आपका फलक्रम, ये तो फलक्रम हो गया आपका, ठीक है। बीच में दरवाजा बहुत भारी है, ये लोड है आपका, ये हाथ से आपको यहाँ से पकड़ के से उठा रहे हो, आप एफर्ट लगा रहे हो, आपका एफर्ट हो गया। तो दरवाजा भी एक सिंपल मशीन है, देखो दरवाजा क्या है कि बड़े आराम से कैसे यहाँ पे आपने कब्जे लगाए, ये तो आपके फलक्रम हो गया, यहाँ से एफर्ट लगा रहे हो, दरवाजे के बाहर को मैंने लोड को मान लिया बीच में, तो लोड बीच में, फलक्रम और एफर्ट एक साइड में, तो ये भी किसका हो गया, सेकंड टाइप के लीवर का एग्जांपल। एक मैं आपको ह्यूमन बॉडी का बता देता हूँ, ठीक है, ह्यूमन बॉडी का एग्जांपल क्या है सेकंड टाइप के लीवर में, यहाँ ध्यान देना सब बच्चे। सर SSC में आया था, आया था क्या, एक डाउट, ओके अगर आया था तो बहुत बढ़िया भाई। चलो यहाँ देखो
बच्चे लोग, सेकंड टाइप के लीवर का एग्जांपल ह्यूमन बॉडी में क्या है? फर्स्ट टाइप के लीवर में तो क्या था? नोडिंग ऑफ हेड था। सेकंड टाइप में देखना, आप ना भी अपने अंगूठों पे खड़े हो जाओ, ऐसे अंगूठों पे खड़े हो गए आप, अंगूठे पे खड़े हो गए आप ऐसे, ठीक है। अब मुझे एक चीज़ बताओ, जैसे आप अंगूठे पे खड़े होंगे ऐसे, यहाँ पे ध्यान देना, ये मान लो आपका अंगूठा है, ये आपका मान लो पैर है ऐसे, ठीक है, ये आपका अंगूठा है। देखो मेरे से ऐसे डायग्राम ऐसे बनता है, तो यहाँ पे चलो भाई, सॉरी भाई, बीच में ये अभी बैटरी ख़त्म हो गई थी, ठीक है, बैटरी ख़त्म हो गई थी, मैं दोबारा बता देता हूँ मैंने क्या बताया आपको। यहाँ देखना, थैंक यू, आपने बता दिया साउंड प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ देखना, देखो मैंने आपसे कहा बच्चे कि फर्स्ट और सेकंड टाइप के लीवर के मैंने आपको अभी रिविज़न कराया था, कि फर्स्ट टाइप के लीवर का रिवीजन कर लेते हैं, कि फर्स्ट टाइप के लीवर में फलक्रम होना चाहिए बीच में। तो मैंने कहा कि इसका एक एग्जांपल है सीसा, एक है क्रोबार, पत्थर उठाने के लिए डंडी हम यूज़ करते हैं, कैंची, पाइलर्स, गर्दन को ऊपर नीचे करना। फिर मैंने बताया आपको कि सेकंड टाइप के लीवर के एग्जाम्पल क्या बच्चे, जैसे कि नट को फोड़ देना, लेमन स्क्यूजर, बोटल ओपनर, गेट और रेजिंग ऑफ टो। अब मैं आऊँगा थर्ड टाइप के लीवर पे, तो थर्ड टाइप के लीवर का एग्जांपल मैं एक आपको बता चुका हूँ, तो आप मुझे बताएंगे कि थर्ड टाइप के लीवर का कोई एग्जांपल बताओ। थर्ड टाइप के लीवर का मतलब है कि यहाँ पे एफर्ट बीच में हो, FLE, यानी एफर्ट बीच में हो। थर्ड टाइप के लीवर का एग्जाम्पल बताइए, फटाफट बताएंगे सब बच्चे। थर्ड टाइप के लीवर का एग्जाम्पल एक मैं आपको बता चुका हूँ,
एक बच्चा कह रहा है नीतीश कुमार का आंसर आया सर, टोटल कितना क्लास चलेगा? भाई क्लास तो बहुत सारे चलते हैं इसमें, अभी तो शुरुआत किया आपने। एग्जाम्पल ऑफ थर्ड टाइप ऑफ लीवर, तृतीय प्रकार के लीवर के उदाहरण, किसान का हल। अरे वाह बहुत बढ़िया। बहुत सारे बच्चे देखो, एक जो मैंने आपको बताया, आपको बताना था चिमटा, एक मैंने आपको मैं इसलिए पूछा कि आपकी आपको कुछ ध्यान है कि नहीं है। आपको मैंने अभी बताया था कि जो चिमटा होता है, आपकी मम्मी क्या करती हैं, यहाँ पे ऐसे कुछ रोटी वोटी रख ली, ये लोड है, यहाँ से आपकी मम्मी एफर्ट लगाएंगी, एफर्ट, ठीक है, और ये फिक्स पॉइंट हो गया फलक्रम, फलक्रम, ठीक है। तो एफर्ट बीच में है, तो आप समझ गए कि जो टोंग है चिमटा जो है वो सेकंड टाइप के, थर्ड टाइप के लीवर का एग्जांपल है। इसका आप देख सकते हैं, जैसे ना एक अपना होता है वो नहीं होता फावड़ा कहते हैं इसे, स्पेड, फावड़ा, अब इंग्लिश में शायद यही बोलते हैं इसे। अब जो मिट्टी उठाने का नहीं होता फावड़ा टाइप से का, वो देखो ये मान लो कि फावड़ा टाइप से का है, कैसे बनेगा ये, इसे आप मिट्टी उठा सकते हो ऐसे करके, ठीक है। तो यहाँ पे आप मिट्टी विट्टी भरी होगी फावड़े में, ये आपका लोड हो गया। यहाँ बच्चे आप भी यहाँ से थोड़ा सा फावड़ा नीचे से पकड़ते हैं, ये आपका एफर्ट हो गया। ये फिक्स पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट के देखो ये ऐसे ऐसे फावड़ा ऐसे ऊपर नीचे घूम सकता है, ये आपका हो गया फलक्रम। तो एफर्ट बीच में है, यानी ये भी कौन से टाइप के लीवर का एग्जाम्पल हो गया, थर्ड टाइप के। तो फावड़ा हो गया, चिमटा हो गया, टोंग, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर आप लिख सकते हैं जो पेपर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो बता रहा हूँ मैं आपको, जो पेपर में आए हुए हैं। चिमटा हो गया आपका एक तो इसमें, फावड़ा हो गया दो, तीसरे पे आ जाओ फिशिंग मशीन, जो जो मछली पकड़ने वाला नहीं होता वो, जैसे मछली पकड़ने वाला आपने देखा होगा, एक ऐसे डंडी सी होगी और एक यहाँ पे तार में, यहाँ पे आप मछली पकड़ लेंगे मछली। तो ये जो आपको जो बच्चे फिशिंग मशीन है, इसमें आपका लोड हो गया, ये आपने ऐसे मछली पकड़ी, यहाँ से आप बीच में से इसे पकड़ रहे हैं, ये आपका बच्चे एफर्ट हो गया। और यहाँ पे ना एक मशीन सी होती है, ऐसे घुमा के ना तार को ऊपर नीचे करते हैं, ये ट्र, ये तार ऊपर नीचे छोटा बड़ा करने के लिए, ये बच्चा आपका हो गया फलक्रम। तो फलक्रम, एफर्ट बीच में, लोड एक तरफ, और एफर्ट बीच में भी क्या हो गया, थर्ड टाइप के लीवर का एग्जाम्पल हो गया, ये भी थर्ड टाइप के लीवर का एग्जाम्पल है, ठीक है। में तो ये आपका देखो बच्चा, हर एक चीज ऐसे नहीं कि लीवर बन जाएगी, एक फिक्स पॉइंट ऐसा होना चाहिए इसके अबाउट कुछ ही रोटेट हो सके, ठीक है। सर एग्जांपल से पहले कट गई थी जो मैंने बता दिया, वो केवल मैं रिवाइज करा रहा था उस समय, ठीक है। तो जो कुदाली है ना, कुदाली एक ही बात है, कुदाली बोल दो आप इसे, या इसे फावड़ा बोल दो, या जो भी आपका मन करे, ठीक है, वो इस टाइप में ही आएगा, ठीक है। ट्वेल्व नहीं, हेड पंप फर्स्ट टाइप के लीवर में आ जाता है, फर्स्ट देखो लीवर फर्स्ट, हेड पंप में क्या होता है, यहाँ से आप बच्चे देखना, ये तो ना हेडपम्प ऐसे, आप नल ऐसे करते हैं ऐसे टक 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 टक, तो ऐसे करता है। तो यहाँ पे देखना, ये तो हो गया आपका फलक्रम, यहाँ से बच्चे आप एफर्ट लगा रहे हैं ऐसे टक, ऐसे करके आपने एफर्ट लगाया, ठीक है। और ये आपको ऐसे, और जो जो पिस्टल है ना जो पानी को जमीन से खींच रही है, वो आपका लोड हो गया। तो जो हेडपम्प है वो फर्स्ट टाइप के लीवर का एग्जाम्पल है, ठीक है। नट क्रैकर मैंने आपको बताया सेकेंड टाइप के लीवर का एग्जाम्पल है, वो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसके अंदर बच्चे ह्यूमन बॉडी में देखना कि ह्यूमन बॉडी में कौन सा आएगा, इसमें ह्यूमन बॉडी के अंदर देखना, ह्यूमन बॉडी में आप कभी ऐसा करना, आप अपने हाथ में ऐसे, आप अपने हाथ के अंदर एक ऐसे वजन उठाना, वजन रखना, ठीक है। और आप इस वजन को जब ऐसे करोगे तो आप एक चीज़ देखना, ये तो लोड हो गया, ये आपको बच्चे लोड हो गया, यहाँ से बच्चे एफर्ट लगाओगे, आपकी जो मसल्स होगी ना खींचेंगी, एफर्ट लगाएंगी मसल ये, और ये जो आपको एक कोहनी होगी, ये आपको हो गया फलक्रम, फलक्रम, ठीक है। तो यानी कि जैसे आपने, ये आपका हाथ है, हाथ कैसे बनाया जाए, ये आपकी कोहनी होगी, ये आपका हाथ हो गया, आपने अपने हाथ के अंदर कुछ मान लो बच्चे पत्थर वत्थर रख लिया ऐसे, पत्थर वत्थर, ये तो बच्चे हो गया लोड, आपकी मसल्स खींचेंगी, ये आपका हो गया एफर्ट, ये बच्चे आपका हो गया, ये कोहनी है ना जिसके अबाउट ये हाथ ऊपर नीचे करेंगे आप, ये हो गया आपका फलक्रम, ठीक है। तो होल्डिंग ऑफ वेट,
ये भी क्या हो गया बच्चे आपका थर्ड टाइप के लीवर के एग्जांपल में आ गया, ठीक है। तो हाथ से कोई वजन को उठाना, हाथ में कोई वजन को होल्ड करके रखना, ये भी थर्ड टाइप के लीवर का एग्जांपल है, ठीक है। नेल कटर, नेल कटर, अच्छा नेल कटर कह रहे, नट 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 करके नहीं कह रहे। तो नेल कटर जो है बच्चे देखो, नेल कटर ऐसे देखना आप, नेल कटर यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे आप एफर्ट लगाएंगे नेल कटर में, एफर्ट यहाँ पे आपका जो नखून वखून जो भी आप उससे दबाओगे टक ऐसे करके, ये आपका लोड हो गया। और नेल कटर में फिक्स पॉइंट होता है पीछे की तरफ को, तो नेल कटर भी जो है जो आपके हाथ के जो नेल काटता है वो भी थर्ड टाइप के लीवर का एग्जाम्पल है, थर्ड टाइप के। सीमई करने वाली मशीन, सीमई ये क्या होता भाई, मैंने नहीं सुना, ठीक है। तो नेल कटर हो गया इसमें। अच्छा एक और देखना बच्चे, स्टेपलर जो होते हैं ना, स्टेपलर कई टाइप के होते हैं। स्टेपलर फर्स्ट टाइप के लीवर में भी आते हैं, सेकंड टाइप के में, थर्ड टाइप में भी। लेकिन जो हमारे घर में नॉर्मल जो स्टेपलर होता है वो थर्ड टाइप के लीवर का एग्जांपल है। देखो हमारे घर में जो नॉर्मल जो स्टेपलर रहता है उसकी अगर मैं बात करूं, तो आप इसमें देखना कि जैसे मान लो कि यहाँ पे आप कोई भी चीज़ रखेंगे, यहाँ से आप एफर्ट लगाएंगे तो आके पिन यहाँ पे गड़ जाएगी। तो यहाँ पे जैसे भी आपने कोई किताब रखी, आपको किताब के अंदर स्टेपलर करना है, तो यहाँ पे आपका लोड होगा, बीच में आप एफर्ट लगाएंगे और आपका फिक्स पॉइंट होगा, ये फलक्रम है आपका। तो ये भी स्टेपलर भी, अगर नॉर्मल जो स्टेपलर होता है घरों में सादा स्टेपलर, ये भी थर्ड टाइप के लीवर का एग्जांपल है, ठीक है। आई बात समझ में, पोचा लगाने वाली मशीन वो भी थर्ड टाइप में आ जाएगी। देखो आप ऐसे चीज़ देखना ना, आप जैसे आपने पोचा लगाना है, ये बीच में से पकड़ा आप ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो बीच में से आप एफर्ट लगा रहे हैं, लोड कहाँ पे, बिल्कुल बीच पीछे, और जो ऊपर वाला पॉइंट है वो फलक्रम है, वो भी थर्ड टाइप में है। सर BSS थोड़ा सा टाइम बाद एक ये पता नहीं क्या सिलाई करने वाली मशीन, अरे हर चीज़ मैंने कहा कि एक फिक्स पॉइंट भी होना चाहिए आपको, उसमें किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के लिए अलग अलग उसे बना सकते हैं आप, पूरी की पूरी मशीन को नहीं बोलेंगे। जिस पॉइंट पे आप वो पॉइंट ऊपर नीचे कर रहे हैं, जहाँ कपड़ा सिल रहे हैं उसके लिए अलग पार्ट होगा, जहाँ पे घुमा रहे हैं वो अलग होगा, ठीक है। एक आध भाई कोई होगा तो आप बाकी देख लेना, ये मैंने आपको बताए जो इंपॉर्टेंट है दोबारा सुन लेंगे। अब मैं आपको इस चैप्टर को थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ, बाकी जब मैं इसमें इस चैप्टर में देखता हूँ अगर इसमें MCQ अगर मिल गया अपने को, MCQ बनवाता हूँ, बाकी कुछ और एग्जांपल हम वहाँ पे ऐड कर लेंगे हम, ठीक है। तो आपके जो भी कमेंट वमेंट होंगे उसे बोल देंगे लड़के से, देखकर MCQ बना देगा इस पे वो। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना आप, अब मैंने आपको क्या क्या बताया, अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, फटाफट आपको आंसर देना है। सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, अब सब मैं 5 क्वेश्चन पूछूंगा, 5 क्वेश्चन के अंदर ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। पहला क्वेश्चन, अगर लोड बीच में है, अगर लोड बीच में है और फलक्रम और एफर्ट साइड में है, तो किस टाइप का लीवर होगा, ये फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप या थर्ड टाइप। अगर लोड बीच में हो तो किस टाइप के लीवर में आप इसे काउंट करेंगे, फर्स्ट सेकंड की थर्ड, ये बताओ। अगर लोड बीच में है तो किस टाइप का होगा, ये हथौड़ा थर्ड टाइप के लीवर का एग्जाम्पल। अब देखो जब ये पूछना है किस टाइप का लीवर, तो अपने को ज़्यादा सीधा आंसर नहीं देना, पहले साइड में लिखेंगे FLE फ्ली। तो अगर बीच में लोड है, यहाँ पे लिख देंगे 1, 2, 3, अगर बीच में लोड है तो सेकंड टाइप का लीवर है। तो जिन बच्चों ने सेकंड लिखा उनका बिल्कुल ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, अगर किसी लीवर की मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम है तो किस टाइप का लीवर है वो। यदि यांत्रिक लाभ, अगर कोई लीवर यांत्रिक लाभ हमेशा 1 से कम देता है, अगर कोई लीवर यांत्रिक लाभ मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम देता है तो किस टाइप का लीवर होगा वो। अगर मैकेनिकल एडवांटेज 1 से कम है तो किस टाइप का लीवर है, सबको रिप्लाई करना है, बाद में अपना आंसर चेक करना, ठीक है। तो बिल्कुल सही लिखा सबने, अगर मैकेनिकल एडवांटेज हमेशा 1 से कम देता तो वो थर्ड टाइप का लीवर है, थर्ड टाइप का लीवर है। एक मेरा क्वेश्चन आपसे तीसरा, अगर कोई लीवर फोर्स को मल्टीप्लाई कर देता, फोर्स को कई गुना बढ़ा देता है, तो उसकी मैकेनिकल एडवांटेज कितनी होगी, 1 से ज़्यादा होगी, 1 से कम होगी या 1 के बराबर। यदि कोई लीवर फोर्स कई गुना बढ़ा देता है, बल को कई गुना बढ़ाने का काम करता है, तो उसकी मैकेनिकल एडवांटेज बताइए आप कितनी होगी। ये वाला क्वेश्चन बताओ, इंपॉर्टेंट है तीसरे वाला, अगर कोई लीवर फोर्स को कई गुना बढ़ा देता है तो उसकी मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा, 1 से कम या 1 के बराबर। विकास ने सही आंसर दिया, ब्रजमोहन बेरवा ने सही आंसर दिया है, महेंद्र कुमार, महावर्ष, आशीष, नीरज, आर्यन कुमार, सोनू कुमार, पिंकी, सबका ठीक है। अगर फोर्स कई गुना बढ़ा, यानी कि मैकेनिकल एडवांटेज 1 से ज़्यादा है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन मेरा ये है,
कि अगर कोई लीवर, अच्छा अगला क्वेश्चन ऐसा बताओ मेरा कि अगला क्वेश्चन मेरा इम्पोर्टेंट में से पूछ लेता हूँ कि नट क्रैकर जो होता है, जो नट को फोड़ने वाला होता है, किस टाइप के लीवर का एग्जांपल है? नट क्रैकर फर्स्ट सेकंड थर्ड किस टाइप के लीवर का एग्जांपल है? नट क्रैकर ये बताओ, नट क्रैकर किस टाइप के लीवर का एग्जांपल है? सेकंड, बिल्कुल सही लिखा आपने, सेकंड टाइप के लीवर का एग्जांपल है। अगला क्वेश्चन है मेरा आपसे, आपको ये बताना है कि इंपॉर्टेंट वाला क्वेश्चन पेपर में आता है, टोंग्स चिमटा किस टाइप के लीवर का एग्जांपल है? भाई ऐसा तो बहुत सारे हो सकते हैं, सबका तो मुझे भी सोचना पड़ेगा, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ आपको। टोंग्स चिमटा किस टाइप के लीवर का एग्जांपल है? ये भी आप समझ में आ गया, चिमटा क्या करता है? स्पीड बढ़ाने का काम करता है, ये फोर्स नहीं बढ़ा रहा, स्पीड बढ़ाने का काम करता है। और वैसे भी हमने पढ़ा था थर्ड टाइप के लीवर का एग्जांपल है ये, थर्ड टाइप के लीवर का एग्जांपल। अगला बताओ, सीजर कैंची किस टाइप के लीवर का एग्जांपल है? अपने आंसर मैच करते रहना, सीजर कैंची बहुत आता है पेपर में, कैंची किस टाइप के लीवर का एग्जांपल था? फर्स्ट टाइप के लीवर का एग्जांपल था, ठीक है। तो इस टाइप के कुछ आपके क्वेश्चन बनते हैं। तो ये बच्चे आज की जो क्लास थी हमारी, इसका हम कोशिश करेंगे कि अभी मैं बोल देता हूँ, जो लड़का गोविंद नाम का हमारे लिए जो MCQ बनाता, अगर वो इसमें कुछ MCQ बना पाए हिंदी में, देखो ये चैप्टर जो है ना, इसमें हिंदी में इतना मज़ा नहीं है पढ़ने का। फर्स्ट टाइप लीवर, तो आपको मैं कई बार बता दें कि प्रथम प्रकार का उत्तोलक, तो उसमें फ्लो नहीं आता बोलने में, फर्स्ट टाइप लीवर कितना बढ़िया लग रहा है, प्रथम प्रकार का उत्तोलक, द्वितीय प्रकार का तृतीय, और इसमें आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैंने फर्स्ट टाइप लीवर कहा तो फर्स्ट का मतलब प्रथम, आप इतना समझ ही जाओगे, इतनी हिंदी इंग्लिश आपको आनी चाहिए। अच्छा लीवर आपको मैंने बता दिया कि लीवर का मतलब उत्तोलक है बहुत बार, ठीक है। तो इसके अलावा पेपर में क्या पूछेगा कि अगर आलंब बीच में है, फलक्रम बीच में, तो फर्स्ट टाइप का लीवर है। लोड भार बीच में है तो सेकंड टाइप का लीवर है, और एफर्ट बीच में है तो थर्ड टाइप का लीवर है। फिर मैंने बताया कि यांत्रिक लाभ जो होते हैं उनका काम क्या होता है, उससे पता चलता है कि वो लीवर क्या काम करेगा। वो लीवर फोर्स को बढ़ाएगा, स्पीड को बढ़ाएगा कि डायरेक्शन चेंज करेगा एफर्ट की, तो वो मैकेनिकल एडवांटेज पे आपको पता चलेगा, ठीक है। इस तरह की मैंने आपको बातें बताई। चैप्टर थोड़ा सा ऐसा है कि थोड़ा सा कुछ शब्द इसमें पहली बार हम सुनने को मिलते हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा हमने आराम से पढ़ा, ठीक है, क्लियर बात। इसके अलावा और ऑफलाइन पिक्सल कम करवा दीजिए फिर से। अच्छा ऑफलाइन पिक्सल वाला बच्चे देखो, इसमें क्या है ना कि ऑफलाइन में पिक्सल कम वाला ही एक्चुअली क्या होता है, सर्वर पे भी काम चल रहा है तो शायद वो जल्दी हो जाए। हिंदी में नहीं समझाते हैं सर जल्दी, हिंदी में नहीं समझते हैं जल्दी, अच्छा हिंदी में, इंग्लिश में नहीं, हिंदी इंग्लिश में दोनों में बोलेंगे हम, आगे वाले चैप्टर तो सारे ऐसे चलेंगे, ठीक है सर। PDF में मेरे मोबाइल, अच्छा बाकी जो बच्चे, अगर आपको PDF वगैरह जो भी चाहिए, जो भी बच्चे, मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, मैंने कल भी बताया था कि आप टेलीग्राम मेरा चैनल है, इससे आप ज्वाइन कर रहे हैं ना, इससे PDF वगैरह सब डालता हूँ मैं, जो भी MCQ बैच पढ़ाता हूँ या कोई भी अगर मेरी फ्री क्लास होती है YouTube पर अलग से किसी टॉपिक की, तो वो सब उस पर नोटिफिकेशन आती हैं। तो फिजिक्स अंकुर सर फिजिक्स आप लिखेंगे बिना स्पेस के, अंकुर के बाद बिना स्पेस के फिजिक्स, बिना स्पेस के सर, तो आप टेलीग्राम चैनल अभी ज्वाइन कर लेंगे, टेलीग्राम डाउनलोड कर लेना अगर किसी के पास नहीं है प्ले स्टोर से, तो इसमें आप अभी कर लेंगे, बाकी आपको सारी PDF वगैरह नोट्स, क्लास नोट्स सब मिल जाएंगे, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखते हैं, ठीक है, ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कब मिलेंगे भाई।